चलिए जुड़ेंगे एक बार सेशन में सभी चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग सभी जुड़ जाएंगे सेशन में सभी जुड़ जाएंगे सेशन में आज हम देखने वाले हैं सोलर पावर टेक्नोलॉजी है ना इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे खासकर इसमें यूनिट वाइज के सेगमेंट और पीवाईक्यू क्यू प्रीवियस ईयर सेमेस्टर के अंदर जो पूछे गए वो भी क्वेश्चन को शामिल किए गए हैं तो उम्मीद करता हूँ जितना अपन क्वेश्चन करेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और एक बार प्रैक्टिस अपन जरूर करेंगे फास्टली करेंगे अपन फटाफट की ओर बढ़ते जाएंगे आगे चलिए एक बार जुड़ जाएं जो भी है थोड़ा सेशन डिले हुआ है वही आ, रीजन है कि आ, इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एबडिवन नहीं है क्योंकि रिसेंट दिनों में ये सब सब्जेक्ट्स आए तो क्वेश्चंस कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चलिए फटाफट एक बार सभी जुड़ जाएंगे जी चलिए अपन सेशन की शुरुआत करते हैं अब सभी जुड़ जाएंगे और एक बात मैं और बोल रहा हूं जो भी बच्चा चलिए उसको मैं बात ही बताऊंगा है ना ठीक है चलिए फटाफट अपन सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन व्हाट इज द सोलर वाटर हीटर सोलर वाटर हीटर क्या है अब देखिए सोलर वाटर हीटर डी में कुछ नहीं है तो ऐसे भी ऑप्शन नहीं है इसको मैं फिलहाल नन कर दे रहा हूं इसको क्या कर दे रहा हूं नन कर दे रहा हूं है ना तो वाट इज अ सोलर वाटर हीटर सोलर वाटर हीटर क्या है वाट इज सोलर वाटर हीटर बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ भी मिल जाएगा बिल्कुल चलिए पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के जवाब है यूज सोलर एनर्जी टू हीटर वाटर है ना सो सोलर एनर्जी के थ्रू क्या करते हो आप वाटर को हीट करते हो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर सिस्टम क्या करता है डायरेक्ट सोलर वाटर सिस्टम क्या करता है जी एक बार यहां कर लोगे तो उससे क्या होगा आपका रिवीजन हो जाएगा ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन है यहां पे वर्ड आप लोग कमेंट करते जाएंगे फटाफट एंड डी कर देता हूं नन है ना डी क्या कर देता हूं नन बताएंगे डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर में क्या होता है डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर में अगर आप जाओगे डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर तो ये एक प्रोसेस है डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर में क्या होता है ये एक प्रोसेस है जो कि सोलर के थ्रू आपका पैनल हीट होता है वहां पर और यह वाटर होता है एक कूलिंग पाइप होता है एक आपका हॉट वाटर का होता है और इस तरीके से चलता है सो डायरेक्ट वाटर हीटर में क्या ऐसा होता है चलिए क्या ऐसा होता है डायरेक्ट वाटर हीटर में कोई कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं होता जब आपका हीटिंग भी हो जाए जब आपका सिस्टम हीट भी हो जाता है उस कंडीशन में भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होता यानी आप जाओगे देखो यहाँ पे क्या हुआ अब पानी आपका हीट हो रहा है यहाँ पे देखिएगा आपका वाटर क्या हो रहा है हीटेड हो रहा है वाटर क्या हो रहा है हीट हो रहा है सोलर से थ्रू सोलर सिस्टम के थ्रू सन के थ्रू ये वाटर हीट हो रहा है यहाँ पे आपको गर्म पानी तो मिल गया पर इसमें कोई कंट्रोल नहीं है डायरेक्ट मेथड में कोई कंट्रोल नहीं है बाकी में तो एनर्जी एक्सचेंज मेथड वगैरह यूज़ भी किए जाते हैं कुछ कुछ कंट्रोलिंग स्ट्रेटी होता है लेकिन डायरेक्ट सिस्टम के अंदर आपका पानी आया इनलेट आया आउटलेट हुआ गर्म हो गया अब ये लगातार गर्म होता चला जाएगा इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता कि कितना गर्म हो ओवर हीटिंग भी हो जाए तभी ये होता ही चला जाएगा ओके सो so, ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हो ऑफर्स नो ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन ऐसे कंडीशन में क्या होता है कोई भी ओ, हीटिंग प्रोटेक्शन आप यूज नहीं करते क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट होता है गर्म होता है ये हम डेली लाइफ में अपने घरों में आप जाओगे हालांकि रूरल एरिया में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्र में ये सिस्टम खूब ज्यादा यूज किए जाते हैं थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए हाउ इज वाटर हीटर हीटेड इन अ डायरेक्ट सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम डायरेक्ट वाटर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में पानी कैसे गर्म होता है डी का जो ऑप्शन है इसमें डी का जो ऑप्शन है बाय यूजिंग यहां पे है बाय यूजिंग हीट एक्सचेंज ठीक है चलिए ऑफ द फॉलोइंग तीन का कुछ बच्चे डी जवाब दे रहे हैं तीन का कुछ बच्चे डी जवाब दे रहे हैं अच्छा मैं लिख दिया हूं डी इसीलिए मैं डी लिख दिया हूं इसलिए हा यहां पर डी लिख दिया हूं इसलिए यहां पे पूछा है डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर है ना क्या है डायरेक्ट सोलर वाटर हीटर तो ध्यान रखिए जी है ना ये हीट एक्सचेंज की इसमें बात नहीं होती है अगर डायरेक्ट की बात होती है यानी सोलर से हीट लिया और पाइप के थ्रू गर्म करते हुए टंकी तक भेजा ऐसे कंडीशन में बाय सर्कुलेटिंग पोर्टेबल वाटर थ्रू द कलेक्टर यानी कलेक्टर के थ्रू ये क्या है जी आप देखोगे पोर्टेबल वाटर ये वाटर जो है ये पोर्ट करता है और इससे कलेक्टर के थ्रू फिर क्या होता है आपके टैंक में जाता है तो सोलर के अंदर जो बात करते हैं व्हाट इज द वाटर हीटर डायरेक्ट सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में क्या होता है सर्कुलेटिंग पोर्टेबल वाटर वाटर आया और फिर चला गया थ्रू दलैक्टर कलेक्टर कलेक्टर के थ्रू वाटर चला जाता है यहां पर एक्सचेंज की बात नहीं होगी डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट नहीं है दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ठीक है ध्यान रखना नेक्स्ट फोर कह रहा है वॉ इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर फ्रू टू पोर्टेबल वाटर इन है इनडायरेक्ट इस बार क्या आया इनडायरेक्ट सोलर यानी डायरेक्ट नहीं होगा इसके बीच कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होंगे ओके सो इनडायरेक्ट सोलर वाटर हीटर सिस्टम अब यहां पर एक पॉइंट है बाय यूजिंग बाय यूजिंग हीट एक्सचेंजर बाय यूजिंग हीट एक्सचेंजर बाय यूजिंग हीट एक्सचेंजर तो यहां पर देखिए अब जो है ये जो टैंक से आ रहा था सोलर पैनल के अंदर अब ये डायरेक्ट नहीं रह गया अब डायरेक्ट नहीं रहा यहां पर हमने कुछ और भी अरेंज किया है ना इनडायरेक्ट हो गया यहां से टैंक से आया अरे अदर अरेंजमेंट में फिर सोलर पैनल के द्वारा यहां पे हीट हो रहा है तो इस तरीके से सोलर सिस्टम के थ्रू यहां पे हमारा अरेंजमेंट में कलेक्टर में हीट हो रहा है तो यहां एक्सचेंजर यूज करते हैं क्या करते हैं जी एक्सचेंजर यहां पे क्या यूज करते हैं एक्सचेंजर तो क्यों अब इनडायरेक्ट मेथड हो गया टैंक टू हीटिंग पोर्सन के बीच एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया इसीलिए जी इनडायरेक्ट सोलर वाटर हीटर और यहां पे बाई यूजिंग हीट एक्सचेंजर यहां पे क्या होता है जी हीट एक्सचेंजर करता है ध्यान रखिए दो मेथड है एक तो डायरेक्ट मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट में पानी सोलर पैनल से गर्म होता है उसमें कोई भी कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं होता लेकिन यहां पर आपका बीच में एक्सचेंजर आपका आ जाता है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस क्वेश्चन का जवाब देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है आप जवाब देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ डायरेक्ट सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम डायरेक्ट सोलर एक ही है ये वाटर हीटिंग सिस्टम सी तो है एंड व्हाट अबाउट डी ये सी है एंड व्हाट अबाउट डी डी में आपको दिया हुआ है फाइव का है ड्रेन बैक सिस्टम ड्रेन बैक सिस्टम अब बहुत बच्चा यही मार देगा इसलिए क्योंकि उसको पता है कि मैं डी में नॉन लिखता हूं जब सी ए बी सी तक ऑप्शन है लेकिन आप लोग फंस जाओगे इसी में है ना इसी में आप लोग फंस जाओगे चलिए बहुत शानदार बहुत बहुत बड़े, बहुत बढ़िया बड़े। कुछ बच्चा सही जवाब दिया है बिल्कुल सुबोध कुमार सही जवाब दे रहा है जी बिल्कुल सही जवाब है फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम डायरेक्ट सोलर वाटर हीटिंग system ही कन्वेक्शन हीटिंग सिस्टम कन्वेक्शन का क्या मतलब है देखिए कंडक्शन होता है एक एक होता है कन्वेक्शन सिस्टम कन्वेक्शन क्या मतलब कि पानी जो गर्म होता है यहां पे कन्वेक्शन सिस्टम के थ्रू काम करता है ध्यान से समझिएगा कन्वेक्शन सिस्टम क्या होता है जी पानी जब किसी में गर्म होता है पानी जब कहीं गर्म होता है अगर ये पानी गर्म हो रहा है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो गर्म पानी होता है वो ऊपर चला जाता है ये ऊपर में क्या होता है गर्म पानी रहता है और नीचे क्या होता है ठंडा पानी होता है ठंडा पानी होता है तो इस कन्वेक्शन प्रोसेस यही होता है जब ठंडा पानी गर्म होकर ऊपर की ओर जाता है इसी को कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं ठंडा पानी गर्म होकर ऊपर जाता है गर्म पानी और ये प्रोसेस जो है जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर होके गर्म जाता है तो इस प्रोसेस से ही वा, आपका वाटर क्या होता है गर्म होता है और इसी टैंक प्रोसेस से ही आपके डायरेक्ट सोलर पैनल में ठंडा पानी नीचे और गर्म पानी ऊपर होके फिर इन आउटलेट में चला जाता है और उसी गर्म पानी का आप इस्तेमाल करते हो सो so, ये एक एग्जाम्पल है किसका कन्वेक्शन हीटिंग सिस्टम और ये कन्वेक्शन पे पढ़ते हो सर फिजिक्स में ये आप साइंस में पढ़ते पढ़ते हो में कहां हो साइंस साइंस में में ये फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो कन्वेक्शन कंडक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेस आई होप सो क्लियर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस क्वेश्चन का जवाब देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम डायरेक्ट सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम अब इसमें ऑप्शन कटा हुआ है सी जो दिया हुआ है यहां पर सी जो दिया हुआ है जी यहां पर ऑफर नो प्रोटेक्शन ऑफर नो ओवर हीटिंग ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन एंड डी ऑफर ग्रेट फ्रीजिंग प्रोटेक्शन ऑफर ग्रेट फ्रिजिंग प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अभी अभी हुआ है आई होप सो याद ही होना चाहिए सो so, बिल्कुल सी है ना यह कोई भी ओवर रेटिंग प्रोटेक्शन डायरेक्ट सोनर में नहीं होता बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए व्हाट एकदम यूनिट वाइज चैप्टर उठाए हुए हैं यूनिट वाइज आपको एकदम मिल जाएगा उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट कर लिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सोलर हीटिंग सिस्टम सोलर हीटिंग सिस्टम होता ही क्या है इनके बारे में जवाब दीजिए है ना इसमें आपका ए से डी तक सारा ऑप्शन है सोलर हीटिंग सिस्टम होता ही क्या है ये जवाब देंगे बिल्कुल ऑब्वियसली सर सोलर सीटिंग सिस्टम के अंदर सनलाइट के थ्रू आप क्या करते हो वाटर को हीट करते हो तो यानी ए सिस्टम हो चीज यूज सनलाइट सन लाइट का इस्तेमाल करके टू जेनरेट हीट जेनरेट हीट यहां पे जेनरेट करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ सोलर ड्रायर सोलर ड्रायर का सबसे ज्यादा और कॉमनली यूज क्या है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ सोलर ड्रायर सोलर ड्रायर का मोस्ट यूज क्या है बिल्कुल फूड है ना क्या फूड को ड्राई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं खाने को ड्राई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डी ऑप्शन के लिए चलिए डी ऑप्शन है आपका नेक्स्ट में आपका जो नाइन्थ का डी ऑप्शन में है बॉक्स लाइक एंड कॉर्न बॉक्स लाइक एंड सेप्ट कॉन्सेप्ट चलिए चलेगा काम इतना पे आप बताएंगे व्हाट इज द टू जनरल टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर जो सोलर ड्रायर का जो दो जनरल मेथड है वो कौन कौन सा है बिल्कुल एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या है जी इनडायरेक्ट मेथड यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए व्हाट इज द बेसिक वर्किंग बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सोलर ड्रायर बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है डायरेक्ट सोलर ड्रायर का अब यहां पे है जो डी में है डीहाइड्रेटिंग यहां पे डी हाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग द सब्सटेंस दबस्टेंस बाय डायरेक्टली बाय डायरेक्टली बाय डायरेक्टली एक्सपोजिंग एक्सपोजिंग एक्चुअली ये पीपीटी एक्चुअली होता क्या है कि बनता अलग फॉर्मेट में यही एक समस्या है और विंडो कहीं एट है कहीं टेन है तो इसका समस्या हो जा रहा है थोड़ा टू सनलाइट टू सन लाइट अगर मैं इसका बात करूं व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सोलर ड्रायर डायरेक्ट सोलर ड्रायर के लिए क्या बोल सकते हैं यहां पे देखिए इसका डी आंसर होगा डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग कर देते हैं यानी हाइड्रेन उससे हाइड्रोजन की मात्रा को अपन क्या करते हैं रिलीज कर लेते हैं निकाल लेते हैं यानी आप कह सकते हो उससे नमी उससे क्या करते हैं नमी निकल रिलीज कर रहे हैं है, जल रिलीज कर रहे हैं सब्सटेंस बाय डायरेक्टली एक्सपोजिंग सनलाइट धूप की डायरेक्टली मदद से आप क्या करते हो जी उससे नमी को निकाल लेते हो उसे वो बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस बाय डायरेक्टली एक्सपोजिंग टू दी सनलाइट यही होता है डायरेक्टली प्रिंसिपल जो होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सोलर ड्रायर बेस्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट सोलर ड्रायर का कौन सा है चलिए यहां पर नहीं कुछ है तो यहां पे नन कर दीजिए जी डी दी में नहीं कुछ दिख रहा है तो नन करिए बाकी से जवाब दीजिए डायरेक्ट सोलर ड्रायर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है यह बताएंगे आप सभी ड्राइंग वेट क्लॉथ ऑन वाइड लाइन्स आपको पता है जो अपन कपड़े को सुखाते हैं वो एक डायरेक्ट ही मेथड है सनलाइट से सीधे क्लॉथ को या किसी और भी चीजों को अपन सुखाते हैं तो वो क्या एक डायरेक्ट ही मेथड है है ना डायरेक्ट मेथड से ही तो आप कपड़े को सुखाते हो क्लियर चलिए आगे बढ़िए फटाफट देखिए क्वेश्चन बहुत करना है सो एक क्वेश्चन तो मिनिमम टारगेट है उतने को अपन करेंगे यहाँ पे एक ग्लास कवर डायश सोलर ड्रायर एक जो है ग्लास किसको कवर करता है सोलर ड्रायर के कंडीशन में चलिए यहां पर भी एक मिसिंग है ऑप्शन ए बी सी बारह का अगर बात करें डज नॉट अफेक्ट द इफिशियंसी डज नॉट अफेक्ट दी ऑफ एंड डी ऑप्शन में है इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ इन क्रीज द इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ तो यहां पे कह रहा है कि एक ग्लास कवर जो ग्लास कवर देते हैं सोलर ड्रायर जहां भी होता है ऊपर पे ग्लास कवर दिया जाता है उसको तो इससे क्या होता है बिल्कुल इंक्रीज एफिशिएंसी ग्लास कवर दिया जाता है आप देखना जहां भी सोलर सिस्टम के थ्रू अपन क्या करते हैं हीट एब्जॉर्व करके पानी गर्म करते हैं वहां पर उस पर जरूर ग्लास का कवर होता है इससे क्या होता है उसकी इफिशियंसी इंक्रीज करती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट नहीं सनलाइट से कनेक्ट है इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर का एग्जाम्पल अच्छा इसमें भी एक मिसिंग है ऑप्शन थर्टीन का आ, बी हो गया सी में ऑप्शन है सोलर टनल ड्रायर सोलर टनल ड्रायर एंड डी ऑप्शन है नन इच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से कौन सा सही है इसमें से कौन सा सही है थर्टीन थर्टीन व्इच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट इस व डायरेक्ट नहीं है इस बार देखिए अगर आप थर्टीन की बात करेंगे तो थर्टीन में है सोलर कैबिनेट ड्रायर बिल्कुल इस बार डायरेक्ट नहीं होगा तो सोलर केबिनेट के थ्रू कैबिनेट के थ्रू आप क्या करते हो तो इसको डायरेक्ट करते हो यानी आप डायरेक्ट मेथड नहीं होता यहां पे कैबिनेट लगाए जाते हैं और कैबिनेट के थ्रू अपन क्या करते हो इसको गर्म करते हैं यानी सुखाते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए करेक्ट कंजक्शन ओके ये तो रॉन्ग आ गया ये तो क्वेश्चन ही नहीं है इट्स ये पहले भी पावर सिस्टम में आ गया था ये तो इसका कोई मीनिंग नहीं है क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट आ गया है ये सही क्वेश्चन है इससे पहले वाला क्वेश्चन ध्यान रखना ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्टीन चलिए फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज टू मेक कुकिंग पेन इन ए सोलर कूलर सोलर वाला जो कूलर होता है कुकर सॉरी सोलर कुकर जो डायरेक्ट आप कह सकते हो डायरेक्ट सन के मदद से डायरेक्ट सन के मदद से कुकिंग होता है आपका है ना कुकिंग होता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि विच आर द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज टू मेक द कुकिंग पेन इन द सोलर कूलर सोलर कूलर में कौन सा कुकिंग पेंस का इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल ना तो वुड यूज किए जाते हैं ना तो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं ना तो रबर बिल्कुल आयरन का इस्तेमाल यहां पे क्या है जी आयरन डी में ऑप्शन जो है आयरन है आपका ये डी ऑप्शन है आयरन का इस्तेमाल किया जाता है लोहे का इस्तेमाल किया जाता है पेन के अंदर है ना पेन में ऑब्वियसली लोहा रहेगा है ना चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द पोर्ट सर्फेसिस आर प्रीफर्ड फॉर सोलर कुकर्स। सोलर कुकर के लिए कौन से आप कह सकते हो यहां पे लिखा गया है पोर्ट सर्फेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सोलर कूलर के लिए जो बेसिक पोर्ट होते हैं उसमें कौन सा आप यूज करते हो सोलर कुकर्स के लिए बिल्कुल ब्लैक कलर कौन सा कलर यूज करते हो ब्लैक क्योंकि ये क्या करता है हीट को एब्जॉर्ब करता है क्या करता है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है हीट को क्या करता है ऑब्जॉर्ब करता है और वहीं पे अपना खाना क्या करेगा पकेगा कुकिंग होगा सो ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए व्हाट टाइप इज ए सोलर पैनल कुकर सोलर पैनल कुकर जो होता है वो किस टाइप का होता है व्हाट इज अ टाइप ऑफ सोलर पैनल कुकर व्हाट यूर टाइप इज अ सोलर पैनल कुकर यहां पे अगर बात करें तो क्या होगा बताएंगे दो ऑप्शन है जी ऐसे तो रिफ्लेक्टर भी होता है ऐसे बात करें तो रिफ्लेक्टर लेकिन हीट को ये एब्जॉर्व भी करता है एक सेकेंड ऐसे क्वेश्चन का एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार इस क्वेश्चन का क्रॉस चेकिंग करिए जी इस क्वेश्चन का क्या है सोलर पैनल कुकर है ना सोलर पैनल कुकर कूकर टाइप वेट अ सेकेंड वेट अ सेकेंड बिल्कुल रिफ्लेक्टर जी है ना बिल्कुल किस टाइप का होगा जी रिफ्लेक्टर एकदम करेक्ट आंसर है क्योंकि यहां पे मैं ऑब्जर्व यानी एब्जॉर्ब टाइप भी यहां चूज कर सकता हूं लेकिन इसको बेस्ट प्रिफर नहीं बोला गया बोला कि यहां पे क्या होगा रिफ्लेक्टर टाइप होता है कैसा होगा रिफ्लेक्टर यानी बी ही करेक्ट आंसर है जी इसका है ना चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए जी नेक्स्ट आगे बढ़िए चलिए ये एक चैप्टर जो है ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोलर वाला से हो गया जिसमें आपका कुकर सिस्टम भी आ गया बाय सन रे बाय सन तो ये भी एक हो गया चलिए नेक्स्ट दूसरा चैप्टर से उठाते हैं नेक्स्ट चैप्टर को फॉलो करते हैं जी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे चीजों को अपन यहां पे देख लेंगे नेक्स्ट जितने हैं देखिए एक्चुअली हमने अगर आपको बात करूं तो मैंने सोलर के नहीं लिए मैं सोलर आप लोग को नहीं टीच कराया हूं अपने ऐप के अंदर और वो आपका मिथिलेश सर के द्वारा कंप्लीट किया गया लेकिन ऑब्जेक्टिव मैं सोच रहा हूं कि इसका कवर कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है बहुत ज्यादा समझना नहीं अगर प्रॉपर आंसर की मिल जाता है उस पर कुछ चीज़ों को अगर समझदारी से समझ लेते हैं तो वहाँ पे काम चल जाएगा जरूरी नहीं है कि वो टीचर अभी अवेलेबल है वो लाइव के लिए अभी अवेलेबल नहीं है बहुत जल्दी लाइव के लिए तैयार हो रहे हैं जब वो तैयार हो जाएंगे तो फिर वही चीज़ें वो डील करते रहेंगे लगातार रहे। है उसके बदले में आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ है ना चलिए एक बार आ जाए सिस्टम है ना एक बार सिस्टम आ जाए जी सब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा सब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी ऐप में दिए गए हैं आप देखोगे ऐप में तो ऐप में मुझे लगता है 20 से ऊपर क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं अगर आप देखोगे प्रॉपर टाइपिंग करके दे दिया गया है तो वही आपको हेल्प करेगा जी है ना ध्यान रखना चलिए अब सोलर पावर टेक्नोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट कंसेंट्रेटेड सोलर पावर पे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं किस पे कंसेंट्रेटेड सोलर पावर पे चलिए इस पे भी लगभग पंद्रह क्वेश्चन है इस चैप्टर से भी देख लेते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन लगभग इस पे भी है इसको भी अपन फॉलो कर लेते हैं जी इन विच इन विच कलेक्टर द इफिशियंसी इज मैक्सिमम जो सोलर पैनल के थ्रू होता है कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो मैक्सिमम इफिशियंसी कब होता है क्या फ्लैट प्लेट हो तब लाइन फोक्सिंग प्लेट हो तब या फिर आपका कहता एजुकेटेड ट्यूब हो तब या फिर पैराबोलिक डिश हो तब किस कंडीशन में आपका जो होता है वो मैक्सिमम देगा किस केस में बिल्कुल कैसा होना चाहिए बिल्कुल बहुत बढ़िया सभी बच्चों के करेक्ट जवाब है पैराबोलिक डिश होना चाहिए कैसा होना चाहिए पैराबोलिक ठीक है ना बिल्कुल पैराबोलिक डिश होना चाहिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कह रहा है द पेरानोमीटर मेजर पेरोनमीटर क्या मेजर करता है डायरेक्ट रेडिएशन को डिफ्यूजन रेडिएशन को या दोनों को या न इनमें से कोई भी नहीं है पेरोनमीटर मिजर्स क्या मेजर करता है बिल्कुल सी दोनों डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूजन रेडिएशन दोनों रेडिएशन मापने का है इंस्ट्रूमेंट ये दोनों को मापता है क्या करता है जी दोनों को मापता है क्योंकि रेडिएशन के थ्रू ही फाइनल आप सोलर से कितना आउटपुट मिलेगा उस पर डिपेंड करता है ना द कंसंट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पोट पार्ट है ना सोलर टेक्नोलॉजी है कंसंट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी यानी कितने पार्ट में तो आपको थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कंसंट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी है डिवाइडेड कितने भागों में पार्ट किए गए इसको कितने भागों में बांटा गया है चलिए कुछ बच्चों के जवाब है दो जी कुछ बच्चों के जवाब है दो कुछ बच्चों के जवाब है तीन बिल्कुल कंसंट्रेटिंग सोलर पावर ये सब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा मुझे भी इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को इस बार उठाया ही नहीं है इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा ही नहीं जब भी आपने पढ़े होंगे इसमें देखा होगा आपने तीन तरीके में ली हुए होंगे है ना थ्री टाइप्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी है ना सोलर एनर्जी का मेन सोर्स क्या है यहां पे लास्ट में आप कुछ नहीं ऑप्शन दिखता है तो आप हमेशा नन कर सकते हो आप क्या कर सकते हो यहां पे नन कर सकते हो मेन क्या होता है बिल्कुल किसके थ्रो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू किसके न्यू देखिए एक होता है फ्यूजन एक होता है फ्यूजन है ना तो सोलर के सिस्टम के में क्या होता है न्यूक्लियर फिजन होता है यानी इसको बोलते हैं सल्लयन, क्या बोलते हैं इसको सल्लयन होता है और उसी के थ्रू आपको हीट मिलता है सो न्यूक्लियर फिजन क्या होगा न्यूक्लियर फिजन क्योंकि हम वहां देखते हैं जो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो न्यूक्लियर फीजन के थ्रू होता है यानी आपका सोलर सिस्टम ही नॉन फ्यूजन सिस्टम है चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पीवी सिस्टम फोटोवोल्टिक सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं बैटरी है चार्ज चार्ज कलेक्टर है और उसके बाद आपको है सोलर सेल है या ऑल ऑफ द एवअब डी ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो यहां पे है ऑल ऑफ द एवब बताइए व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम का क्या है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द पीवी फोटोवोल्टाइक सोलर सिस्टम के अंदर पूछा गया ना पीवी सिस्टम है ना पीवी सिस्टम यानी फोटोवोल्टाइक सिस्टम के अंदर देखिए क्या है पीवी सिस्टम यहां पूरे सिस्टम की बात नहीं की गई है पीवी सिस्टम के अंदर जो है मेनली क्या होते हैं मेनली होते हैं सोलर सेल क्या होते हैं जी सोलर सेल व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट ऑल ऑफ द कंपोनेंट की बात नहीं करा बेसिक मेजर कंपोनेंट है ऐसे सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें बैटरी चाहिए चार्ज कलेक्टर चाहिए हर चीज चाहिए लेकिन बेसिक कंपोनेंट के बारे में अगर डिस्कस किया गया है तो वहां पे है सोलर का सेल बहुत इंपॉर्टेंट है सो करेक्ट आंसर इज सी यहां पे ध्यान रखना जी करेक्ट आंसर इज सी सोलर सेल पीवी सिस्टम में फोटोवोल्टाइक सेल में आपको फोर्टोवल्टेस्ट का तो बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं तो पीवी सिस्टम में सोलर का सेल ही चाहिए मेनली क्या होना चाहिए सोलर सेल चाहिए से हाँ सिस्टम बोल रहा है तो एकदम आप चेक कर लीजिए जी सोलर सिस्टम सोलर सेल का ही इस्तेमाल कर रहा है पे सोलर सेल का ही इस्तेमाल कर रहा है ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट सोलर कलेक्टर क्या कन्वर्ट करता है जी सोलर कलेक्टर क्या कन्वर्ट करता है एक बार चेक कर लीजिए जी आपको पता चल जाएगा एक बार चेक भी कर लीजिए है ना द फंक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर इज द कन्वर्ट सोलर कलेक्टर क्या कन्वर्ट करता है सोलर कलेक्टर हमने पहले भी देखा जो इमेज देखा था यहां पर एक सिस्टम था यहां पे सनलाइट आ रहा था और यहाँ पर वाटर ट्यूब्स होते हैं पानी आते हैं कूलिंग और हीटिंग वाटर फिर क्या होता है यहाँ से चला जाता है एक होते हैं इनलॉट कूल वाटर का एक है हॉट वाटर का आउटलेट तो द फंक्शन ऑफ सोलर कलेक्टर इज कन्वर्ट क्या करता है सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी इंटू रेडिएशन सोलर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी क्या काम करता है बिल्कुल सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है थर्मल एनर्जी में यही पे कलेक्टर होता है है ना? ये क्या करता है सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है यहां पर एनर्जी है ना यहां पर क्या है एनर्जी क्लियर है सभी को एकदम ध्यान में रहना चाहिए सारे क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना पिछले वाला क्वेश्चन में जो बच्चा बोल रहा था ना कि सर उसमें ऑल होगा एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे ना एक बार आप लोग क्रॉस भी चेक कर लेंगे आपको कहीं नहीं जाना गूगल पे उस क्वेश्चन को टाइप करिए अवेलेबल हो जाएंगे जी <coughs> चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल कन्वर्ट क्या करता है फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल क्या कन्वर्ट करता है डी में लिख देता हूं नन डी में चूंकि ऑप्शन होना नहीं है तो डी में लिख देता हूं नन चलिए एकदम बहुत शानदार जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्वियसली में कन्वर्ट करता है जी इलेक्ट्रिसिटी में फोटो सेल का ही ये काम होता है फोटो सेल का ही ये काम होता है एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अच्छा एक चीज और समझ लो एक चीज और समझ लो अगर पीवी सिस्टम है तो ऐसा भी हो सकता है कि अपन डायरेक्ट उस पीवी सेल से इलेक्ट्रिसिटी को लेके अपन बल्ब को ग्लो कर रहे हैं बैटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम चार्ज नहीं करेंगे डायरेक्ट यूज करेंगे जब तक लाइट आया अपन फैन चलाए जब तक लाइट बैटरी जब तक पैनल है तब तक पंखा चला रहे नई पैनल है नहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर नहीं चलेगा है ना कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी सिर्फ रहेगा उसमें तो क्या कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन सा हमारा शामिल है क्या पेट्रोल आता है नेचुरल गैस आते हैं बायोगैस आते हैं या ऑल ऑफ द एव यहां पे क्या है जी ऑल ऑफ द ऑफ दिग्लो ऑल ऑफ द एव क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल बायोगैस बायोगैस हमारा क्या है रिन्यूएबल एनर्जी जो क्योंकि पेट्रोल तो आता ही नहीं इसमें नेचुरल गैस भी नहीं इसमें शामिल किए गए बायोगैस इसका एक हमारा सपोर्ट करता है रिन्यूएबल चाहे सोलर पैनल सोलर सोलर पैनल भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है आप कहे अगर विंड टर्बाइन भी एक एनर्जी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट सन जनरेट एनर्जी बाय सन किसके द्वारा एनर्जी जेनरेट करता है और यहां ऑप्शन है ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है सी फ्यूजन एंड फ्यूजन बोथ यहां पे लिखा हुआ है बोथ और ऑप्शन तो आपको ऊपर ही कहीं नहीं मिल जाएगा तो डी में अपन कर देते हैं नन यहां पे डी में क्या कर देते हैं जी नन ऑब्वियसली अभी आया था फ्यूजन होता है वहां पे क्या होता है फ्यूजन इसको बोलते हैं नाविकिया है, संलयन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में नाविकिया नाविकीय संलयन बोलते हैं फ्यूजन को ओके okay? नेक्स्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन इज एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अल्ट्रा वायलेट यू वी रेज किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे. देंगे आप सभी यूवी रे किसके ये तो आप नॉर्मल साइंस में भी पढ़ते हो ये सब क्वेश्चन बी फॉर ऑल ऑब्वियसली ओजोन लेयर ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स है ना ओजोन लेयर ये तो आप लोग साइंस में भी पढ़ लेते हो ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आगे बढ़ेंगे सोलर बीम रेडिएशन इज मेजर्ड बाय सोलर बीम रेडिएशन जो है ये किसके द्वारा मापा जाता है सोलर बीम रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है सोलर बीम रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है <laughs> देखो बिल्कुल अभी आप लोगों को लगता होगा पायरोमीटर देखिए एक चीज मैं बता देता हूं दो चीज होते हैं यहां पे एक होता है यहां पे एक होता है पायरों नो नो मीटर यह भी मापता है किसको रेडिएशंस को रेडिएशंस को आप कह सकते हो एक तरीके से हीट को लेकिन पायरोन हीटर का मतलब होता है ये स्पेशली स्पेशली सोलर सिस्टम के लिए स्पेशली किसके लिए हो जाता है जी सोलर सिस्टम के लिए स्पेशली किसके लिए हो जाता है सोलर सिस्टम के लिए तो यहां रखना आपको पता है हमने पढ़ा है एक होता है पायरोमीटर क्या होता है जी ये क्या करता है हीट को करता करता ये क्या करता है जी बहुत ज्यादा वेरी हाई टेम्परेचर जैसे कि सन के सरफेस का टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं जी पायरो का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना पायरोमीटर और यहाँ पायरो मीटर है और यहाँ पायरो हेलियो लगा दिया जो स्पेशली क्या होता है सन के लिए होता है और ये होता है वेरी हाई वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करता है जो एकदम करेक्ट होगा जी वो हेलियो वर्ड आता है स्पेशली फॉर सन हेलियो वर्ड हमेशा आता है किसका सन का क्लियर है बोलो हेलियो वर्ड स्पेशली किसका क्लियर <laughs> है हेलियो देखना हेलियो आपने एक वर्ड सुना होगा ज्योग्राफी के अंदर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और एक थ्योरी था जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक का मतलब ये होता था देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आज मैं समझाता हूं एक कॉन्सेप्ट था हेलियोसेंट्रिक और एक था जियोसेंट्रिक पहले के टाइम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था ये था कि अर्थ जियो मतलब सेंटर में कौन है जियो हमारा ये अर्थ सेंटर में कौन है अर्थ और उसके चारों ओर हमारा प्लानिट मूव करता है लेकिन जब कोपर ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं पूरा प्लानट जो है वो हेलियोसेंट्रिक है हेलियोसेंट्रिक मतलब जो हीलियम यानी आप कह सकते हो सन सन सेंटर पे है और सारे प्लान उसके इर्द गिर्द मूव करते हैं तो हेलियोसेंट्रिक एक थ्योरी आया था जो कॉपर निकस ने दिया था और ये कॉपर निकस के थ्योरी थ्योरी को ही अपन एक्सेप्ट किए और वही सच था जिसको बाद में गेलोलियो ने भी दूरबीन के सहायता से प्रूफ किया था कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इज करेक्ट तो हेलियो मतलब होता है सन जहां पे सेंटर में तो पायरोमीटर जिसमें अगर हेलियो लिख जाए तो ये मोर सुटेबल हमारे लिए आंसर हो जाएगा हालांकि ये अगर आंसर ना हो तो पायरोमीटर ही चलेगा हमारे लिए ये अगर आंसर ना हो तो पायरोमीटर ही चलेगा ये हमेशा ध्यान रख लेना जी करवा दो जी है <laughs> ना सिंगल जी करवा दो चलिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन है क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन है ट्वेल्व तो ये बहुत सारी चीज है देखो अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़े हो साइंस भी पढ़े हो हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो सारा कहीं ना कहीं काम आता है आपको रिलेट करने का मौका मिलता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या होता है सोलर पीवी सेल यूज सन्स तो फोर्टीन सॉरी ट्वेल्थ में है लास्ट में कुछ नहीं है तो नन कर दीजिए ऐसे भी आंसर नहीं होना है इसको क्या कर दीजिए जी नन कर दीजिए है ना <laughs> काफी पागल हो गया है <laughs> चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सी कार चलिए कुछ बच्चों के सी कार आया है सोलर पीवी सेल यूज्ड सन्स हीट एंड लाइट सोलर पीवी सेल जो इस्तेमाल किया जाते हैं किस चीज के लिए सोलर पीवी सेल किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है हीट एंड लाइट दोनों के लिए पीवी सेल किसके लिए इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं ना पीवी सेल क्या करते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी ने उत्पन्न करते हैं जी पीवी सेल क्या करता है जी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है जी पीवी सेल क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है तो ऐसे कंडीशन की जब आप बात करते हो तो आपके लिए क्या होगा जी लाइट ने एनर्जी देता है सोलर पीवी सिस्टम में अरे इससे पहले जो सन लाइट है वो अलग मेथड है जो कूलिंग सिस्टम आप देखते हो वो अलग सिस्टम है ना अब मैं चेक भी कर देता हूं सोलर पीवी सिस्टम सोलर पीवी सिस्टम क्योंकि एरर ना रह जाए सेल्स इज यूज्ड सेल्स इज यूज्ड क्योंकि जब अपन पानी गर्म करते हैं तो वहां पे सोलर सेल पीवी सिस्टम थोड़ा ना रहेगा वहां पे यूज्ड फॉर बिल्कुल सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी जब आप गर्म करते हैं तो उसको लिए सोलर की जरूरत ठंड होती है जब वहां तो क्या करते हैं ग्लास का इस्तेमाल करके अपन हीटिंग कुछ ट्यूब्स में पानी को लेते हैं और फिर उससे रिफ्लेक्ट करके आगे निकाल देते हैं बोलिए बोलिए देखिए आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए जी एक बार आप लोग भी चेक करें क्योंकि इसका करेक्ट आंसर लाइट इनर्जी होगा पीवी सेल लाइट इनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे ना कि थर्मल सिस्टम के लिए पीवी सेल नहीं वहां पे ग्लास यूज करते हैं कहीं किसी को गर्म करना हो तो वहां पे ग्लास का इस्तेमाल करते हैं एक बार करेक्ट करेंगे सभी मैं तो गूगल कर रहा हूं बी ही करेक्ट है आप लोग एक बार चेक करिए आप लोग शायद दिमाग में ये बैठा होगा बट बी ही यूज फॉर लाइट और दूसरा क्या है हिट एकदम करेक्ट है जी सब अपने दिमाग में को सही कर लीजिए मैंने गूगल भी कर लिया है क्योंकि पैनल से हीट क्यों प्रोड्यूस करेंगे वो तो क्या होता है सिलीकन उसमें यूज होते हैं ना जो सोलर पैनल होते हैं दो सेकंड के लिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों में ध्यान रखिएगा कि सोलर पैनल के अंदर अपन यूज करते हैं यहां पे सिलीकन सिलीकन और इस पीवी सिस्टम के अंदर क्या यूज करते हैं जी सिलिकन और सिलिकन जो होता है यहां पे आइए जी जो सिलिकन होता है वो सिलिकन के मदद से अपन क्या करते हैं सेमी है ये क्या एक सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्या कर रहा है आपके सनलाइट के हीट एनर्जी को क्या कर रहा है हीट एनर्जी जिसमें क्या है आपका रेडिएशंस है क्या होता है रेडिएशंस को कन्वर्ट किसमें करता है जी इलेक्ट्रिसिटी में किसमें इलेक्ट्रिसिटी में तो हीट तो दिमाग से निकाल लीजिए हीट एकदम दिमाग से निकाल लीजिए जी पीवी सिस्टम से गर्म क्यों करेंगे उससे तो इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं ना यानी उससे क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आप रिसीव करते हो उसमें सिलिकन या जर्मनियम का भी बना सकते है। लेकिन सिलिकन प्रीफर किया जाता है तो वहां से ही अपन इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक कंफ्यूजन था जो आज आप लोग को दूर होगा सो तो लाइट वही तो मैं कह रहा हूं लाइट बहुत बच्चा एकदम एक साथ मिलके हीट भी शामिल कर दिया जो कि नहीं है जी हीट नहीं प्रोड्यूस करता सो पीवी सेल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पीवी सेल सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है नॉट हीट एनर्जी रोस्टर क्लियर है बोलिए बोलिए क्लियर है कि नहीं क्योंकि पीवी सेल को क्यों इस्तेमाल करेंगे गर्म करने के लिए ऐसा थोड़ा ना कि पीवी सेल से इलेक्ट्रिसिटी लिए फिर किसी हीटर को उससे इलेक्ट्रिसिटी दिए वो सिस्टम तो नहीं करना आप लोग जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ रहे थे तो वहां पे ग्लास का इस्तेमाल होता है ग्लास के थ्रू वाटर को उस ट्यूब्स पे गर्म किया जाता है और तब पानी गर्म होता है इसलिए कंट्रोलिंग स्टेट वहां भी नहीं होती क्लियर है तो ये सब बड़ा सा एक मिस्टेक है जी ये ध्यान रख लेना सबके सब सी बोलने लगे मुझे भी कंफ्यूजन हो गया कि ये कैसा हो गया सिस्टम चलिए जी नेक्स्ट है कंबाइंड साइकिल सोलर थर्मल पावर प्लांट यूजेस कंबाइंड साइकिल सोलर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट यूजेस किस चीज के लिए इस्तेमाल में लाते हैं थर्टीन क्वेश्चन है डी में कुछ नहीं है तो आप इसको हटा दो न लिख देता हूं क्योंकि ये ऐसे भी आंसर नहीं होना है ये ऐसे भी आंसर नहीं होना है जी डी ऐसे भी आंसर नहीं होना है तो कंबाइंड साइकिल सोलर थर्मल पावर प्लांट यूजेस कंबाइंड साइकिल सोलर थर्मल पावर प्लांट यूजेस साइक सोलर थर्मल पावर प्लांट यूज क्या करता है जी बोथ स्ट्रीम एंड गैस टर्बाइन यहां पे क्या लिखा है जी बोथ स्ट्रीम एंड गैस टर्बाइन स्ट्रीम एंड गैस टर्बाइन तो इनका भी ध्यान रखना है जी आप बिल्कुल सी है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन फॉलोइंग पीवी सेल हैव हाईएस्ट कन्वर्जन एफिशिएंसी इनमें से कौन से पीवी सेल के अंदर हाइएस्ट कन्वर्जन होता है पी सेल के अंदर सी में अगर कुछ ऐसे भी आंसर नहीं होना है तो हटा देता हूं लिखने से कोई फायदा नहीं है और डी में भी नन कर देता हूं इसको भी नन कर देता हूं इसी दो में आंसर है जी कौन सा होगा ये सही आप जवाब देंगे यहां पे कौन सा होगा सही जवाब देंगे चलिए जवाब देंगे जी यहां पे जवाब देंगे बिल्कुल भी ऑब्वियसली सिलिकॉन तो इस्तेमाल में लाए ही जाते हैं पोली सिलिकॉन लाइन सिलिकन ध्यान रखना देखिए सिलिकन तो एकदम इस्तेमाल हो ही, ही पीवी में लेकिन उसमें भी टाइप किया गया है पोली लाइन क्या है पोली लाइन जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है पीवी सेल्स के अंदर तो ये ध्यान रखना ऐसे बोलेगा पीवी सेल किसका बनता है सिलिकॉन के इस्तेमाल से ना अब उसमें भी टाइप पूछ दिया है तो ध्यान रखना पोलिक्रिस्टल लाइन पॉलीक्रिस्टलाइन पोलिक्रिस्टल लाइन चलिए नेक्स्ट यहां पर कंप्लीट होता है सेशन अब अपन देखते हैं फिर अगला चैप्टर यानी पीवी सेल से रिलेटेड यह हमारा सेशन हुआ फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें जी फिर अपन आगे बढ़ते हैं इससे पहले वाला अब लगता है कि सेव नहीं हुआ है क्योंकि उसी पे कर दिया वो हट गया यही एक बड़ा इशू हो जाता है ध्यान हर जगह रखना होगा आपको ध्यान हर जगह रखना होगा चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हर चैप्टर से किसी से 16 क्वेश्चन है किसी से 18 क्वेश्चन है किसी से 20 है किसी से 40 है और एक बार शायद कंबाइंड भी है तो इस तरीके से सेशन मिलेंगे नेक्स्ट पेपर आई होप सो कब है आपका 26 को है ना कल भी नहीं है आप वाई क्यू इंक्लूड है सी इसके अंदर पीवाई क्यू इंक्लूड मिलेगा जितने सेट करवा दूंगा उसमें कहीं ना कहीं पी क्यू आपका शामिल होगा नेक्स्ट पेपर आपका 26 को आई होप सो 26 को बिल्कुल चलिए दो दिन का समय है बढ़िया काम कर लेंगे आप लोग बस मैच मत देख लेना मैच आज तो आई होप सो मैच आएगा थ्योरी मैंने खुद नहीं क्लास करवाया आपको पता है सोलर पैवल हमारे सोलर पावर टेक्नोलॉजी मिथिलेश सर ने करवाया हमने नहीं करवाया है इसलिए बहुत ज्यादा थ्योरी का आइडिया मुझे नहीं है इसमें तो आंसर की है कुछ कुछ रफ डाटा है सोलर का है तो अपन uh, करवा देते हैं कि प्रैक्टिस ही तो करना है बस एक बार आपको पता होना चाहिए है कि नहीं चलिए थोड़ा सा समय ले रहा है जी अभी आएगा कोई मैच की बात नहीं अभी आएगा कहीं ना कहीं ये पीवाई क्यू इसमें शामिल है आएगा इसमें पीवाई क्यू इसमें शामिल है जी ये अभी नहीं आएगा तो आगे आने वाले सेगमेंट में आएगा कंप्लीट पीवाई क्यू ही होगा आपको मिल जाएगा <laughs> कुछ नहीं करते जनता की सेवा करते हैं आप स्टूडेंट्स की सेवा करते हैं जी उसी में थोड़ी बहुत काम चल जाता है ठीक है चलिए सो चलिए आ गया है हमारा जी सोलर सिस्टम के बारे में सोलर पावर टेक्नोलॉजी सोलर पीवी सिस्टम्स है ना चलिए अब इस पे चलते हैं स्लो नहीं ये हो रखा है काफी डाटा इसमें स्टोर हो चुका है इसलिए ऐसा हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है पहला क्वेश्चन फोर सैटेलाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सैटेलाइट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी आप देखते हो अभी हमारा एक मिशन गया है है ना अभी हमारा एक मिशन भी गया है इसके लिए कौन सा एनर्जी का सोर्स है जी एनर्जी का सोर्स कौन सा है बताइए सैटेलाइट के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है किसी भी मिशन के लिए सोलर सेल ही इस्तेमाल किए जाते हैं जी है कि नहीं ये है सोलर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस क्वेश्चन का जवाब मोस्ट वाइडली यूज सोलर मटेरियल सोलर मटेरियल के लिए सबसे ज्यादा वाइडली इस्तेमाल जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो कौन सा होता है मैच नहीं छूटेगा कितने बजे से है मैच आज का मैच कितने बजे से है बताओ अभी चलिए सिलिकन बिल्कुल सही बात है जी कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर सिलिकन ही देखिए जर्मेनियम और सिलिकन ही दोनों बेहतर है लेकिन उन दोनों में भी सबसे मोस्ट सुपेरियर हमारे लिए सिलिकन ही होता है ठीक है ना बिल्कुल ऐप पर भी आपको कम अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान रखना ऐप पर भी किया हुआ है उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है वरी डेढ़ बजे से उज्ज्वल को ध्यान है जी डेढ़ बजे से चलिए नेक्स्ट है ना बहुत हेल्प करते हैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स का बिल्कुल वरना जो मेरा पेपर नहीं है वो भी उठा लेता हूं जी कि करने के लिए ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा आपको हेल्प करेगा ये जब आप पेपर में बैठोगे तब तो आपको हेल्प करेगा कि चलो कुछ काम आने दो फिर क्या ही फायदा है चलिए फोटो सेल और सोलर सेल कन्वर्स क्या करता है जी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे जी ये ऑलरेडी आ चुका ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटू डायरेक्ट इंटू इलेक्ट्रिसिटी चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में डी में छूट गया है यहां पे है फोटो ट्रांसमीटर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है डी में है फोटो ट्रांसफॉर्म ट्रांसमीटर डी है फोटो ट्रांसमीटर है ना क्या जी फोटो ट्रांसमीटर वेन द सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट सनलाइट देन द फोटो वोल्टेज सेल इज यूज एज अ तब फोटो सेल का इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे बताएंगे कैसे आप कर पाएंगे इसका क्या होगा बिल्कुल एज ए फोटो डिटेक्टर एज ए फोटो डिटेक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं जी नेक्स्ट ए मॉड्यूल इन सोलर पैनल रेफर्स टू एक जो मॉड्यूल होता है सोलर पैनल का सोलर पैनल का वो क्या रेफर्स करता है ऑप्शन कई है इसमें सी में है सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल सीरीज आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको जरूर मिला होगा एंड पैरल सीरीज एंड पैरल अरेंजमेंट एंड डी जो है उसको कर देता हूं ना, ना, दिस तो जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो ये मॉड्यूल जरूर आया होगा जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा क्योंकि सीरीज और पैरल दोनों कंबाइन किया तो छोटे छोटे जो सोलर सेल्स होते हैं सोलर छोटे जो सोलर सेल्स होंगे वो कंबाइंड होंगे सीरीज पैनल में फिर बड़े बड़े जो पैनल हो जाते हैं वो भी कंबाइंड किए जाते हैं आपके वोल्टेज और करंट कितना चाहिए उसके आधार पे कुछ सीरीज में होते हैं कुछ पैनल में होते हैं इस तरीके का अरेंजमेंट होता है सो सीरीज एंड पैनल थ्योरी के अंदर जरूरी आप लोगों ने पढ़ा होगा नेक्स्ट द इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल इज अबाउट सोलर सेल्स की इफिशंसी लगभग कितनी होती है सोलर सेल्स की इफ़ेंसी लगभग कितनी होती है बहुत पुअर इफिशेंसी होती है सोलर सेल्स की इफिशेंसी बहुत पुअर होती है ये ध्यान रखना इसीलिए अभी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं कि कैसे इसकी इफ़िशेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया जाए कैसे इसकी इफियंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया जाए इसकी इफिशंसी बहुत पुअर होती है बहुत कम उसी एफेंसी में चूंकि इसलिए महंगा पड़ रहा है आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो भी ठीक है भाई सनलाइट से मिल रहा है कोई फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो है तो ठीक जितनी भी एफिशिएंसी दे रहा है सनलाइट के थ्रू ही दे रहा है एक बार इनिशियल कॉस्ट भी पड़ता है बहुत महंगा पड़ता है उसके बाद ये लगातार इलेक्ट्रिसिटी देता है और मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है बस अगर उसके ग्लास पे मिट्टी वगैरह चल गया तो पानी से उसको छिड़काव कर दीजिए है ना उसकी मेंटेनेंस होते रहना चाहिए और बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आता इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा होता है लेकिन कम है बट इसकी इफिशियंसी हम इंप्रूव करने में लगातार रिसर्च कर रहे हैं लगातार रिसर्च कर रहे हैं इसकी एफिशंसी को इंप्रूव करने में तो इसकी इफिसंसी बहुत पुअर होती है लगभग पंद्रह चलिए नेक्स्ट सोलर सेल आर मेड ऑफ सोलर सेल किसका बना होता है सेमीकंडक्टर का कंडक्टर का इंसुलेटर का या ऑल ऑफ द? दुच ऑफ बिल्कुल सभी के जवाब सही आना चाहिए बिल्कुल आने लगे हैं जवाब सही सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में कौन सा प्रिफर किया जाता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में कौन सा सिलिकॉन चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम का सबसे स्मॉल यूनिट क्या होता है है ना सबसे छोटा यूनिट क्या होता है जी आपको देखिए जब थ्योरी आपने पढ़ा होगा ना जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो आपने एरे भी पढ़ा होगा आपने इसके मॉड्यूल कैसे बनते हैं वो भी पढ़ा होगा सोलर सेल क्या होता है वो भी पढ़ा होगा और कैसे पूरा एक सोलर पैनल बनता है कैसे एक सोलर पैनल बनता है ये भी आपने पढ़ा होगा कैसे एक सोलर पैनल बनता है ये भी आपने पढ़ा होगा तो कहीं कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए तो एकदम ध्यान रखना सबसे छोटा सेल जो होता है ना वो होता है सोलर सेल सबसे छोटा जो पार्ट होता है यूनिट यदि ये छोटे छोटे सेल मिलके बनते हैं बहुत छोटे छोटे सेल मिल के बनते हैं जी है ना बहुत छोटे छोटे सेल मिलके बनते हैं ये छोटा है फोटो फोटोवोल्टिक सेल है ना अब इसी को इसी में मॉड्यूल कहलाता है आपने अगर थ्योरी पढ़ा होगा मेरे दिमाग में तो बहुत चीज नहीं है क्योंकि इसको पढ़े हुए बहुत जमाना हो गया है पर इसी में ये छोटा छोटा सेल होता है, है ना और इसी में कुछ कम्बिनेशन इधर से उधर से होता है इसी में बनते हैं क्या एरे बनने लगते हैं और इसी के कुछ और अरेंजमेंट होता है तो फिर मॉड्यूल बनने लगता है कई पैनल्स को साथ में सीरीज पैनल करके तो ये सब बनते हैं आपने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा होगा लेकिन सबसे छोटा यूनिट क्या होता है सोलर सेल ही होता है सबसे छोटा यूनिट क्या होता है इसका सोलर सेल होता है जी नेक्स्ट आगे बढ़िए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ए मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल रेफर्स टू ऑब्वियसली ये हो चुका है ये हो चुका है सीरीज पैनल वाला ये हो चुका है जी आगे बढ़िए जी इंट्रैक्टिव पीवी सिस्टम ऑपरेट्स जो इंट्रैक्टिव पीवी सोलर पैनल वोल्टेज सेल जो होता है वो ऑपरेट्स जो होता है इंट्रैक्टिव सोलर पीवी सिस्टम ऑपरेट्स कैसे करता ऑपरेट्स जी इंट्रैक्टिव इंट्रैक्टिव पीवी सिस्टम यानी इंट्रैक्टिव फोटोवोल्टाइक सिस्टम ऑपरेट्स कैसे करता है जी यहां पे बस ज़्यादा जर की जरूरत भी नहीं है आप नन यहीं पे कर लें तो खत्म हो जाएगा बस दो ही है तरीका यहाँ पर उन दोनों में कौन सा होगा बिल्कुल एकदम सही जवाब जी अब ये देखिए पैलर इन पैलल विद दी ग्रीड अब यहाँ पे समझिएगा स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है स्टैंड अलोन जब भी आप देखते हो यानी पी सिस्टम जो अकेला काम करता हो और एक होता है ग्रिड इंटरकनेक्टेड ग्रिड इंटरकनेक्टेड इन इंट्रेक्टिव पैनल होते हैं इसका मतलब क्या है आपने जो सोलर से एनर्जी लिया हुआ है ध्यान रखना आपने जो सोलर पैनल से एनर्जी लिया हुआ है उसको किसी चाहे थर्मल पावर प्लांट के ही कनेक्टिविटी से क्यों ना हो उससे भी आपने यहाँ पे ग्रिड पे टाई किया हुआ ग्रिड पे आपने टाई किया वहां पे टाई वगैरह का सिस्टम आप आता होगा थ्योरी क्लास में आपने देखा होगा तो वो सारा अरेंजमेंट होता है तो कहते हैं पैनल विद दी ग्रिड क्या होता है इंट्रेक्टिव पीवी सिस्टम इसी को बोलते हैं जो ग्रिड के साथ क्या होता है आप पैल होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं आपका इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीवी सिस्टम क्या होता है ऑप्शन सो नहीं होता वही तो है जो पीपीटी तैयार हो जाता है वो एक्चुअली आप कह सकते हो कि टेन के अंदर होता है एमएस ऑफिस

दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन तो इस तरीके से तीसरा चैप्टर का भी हमने क्वेश्चंस को कवर करा अब चौथे चैप्टर की ओर अपन बढ़ते हैं जी जिसमें कि एक पहला वाला सेशन का तो हमने सेव भी नहीं कर पाया डाटा चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं जी अपन अब अपन चलेंगे थर्ड ये तीसरा हो गया था कि तीसरा नहीं हुआ एक सेकेंड अभी तीसरा हो गया ना तीन चैप्टर हो गया चैप्टर की ओर अपन बढ़ते, बढ़ते हैं जी चौथा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं परसों कहां चले गए तो कुछ इशू हो गया था इसलिए आ, नहीं अवेलेबल था मैं आप लोग के लिए आ, एसी का कर दिया था एसी का ऑलरेडी आपको पता है हमने रिकॉर्डेड पहले भी कई बार करा रखा था और इसलिए हमने वो चीज सेम डाल दिया एज इट इज क्योंकि वही चीज आते हैं वही प्रीवियस क्वेश्चन थे और वही क्वेश्चन आया भी मुझे लगता है मोस्ट ऑफ़ द बच्चे आप uh, 95 परसेंट बच्चों के ए मशीन यानी मशीन टू का पेपर बहुत बढ़िया गया है जबरदस्त गया है तो आप लोग इन्जॉय करिए और हमेशा कहते हैं कि पेपर कभी भी डिप्लोमा में सेमेस्टर के पेपर के लिए इतना टेंशन मत लीजिए अगर आप सेकेंड सेमेस्टर से आगे हैं यानी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं आप लोग सेमेस्टर के लिए कभी बर्डन लेना ही नहीं है आपको पता है लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और लास्ट में आके पंद्रह दिन एग्जाम देते हैं उनको पता है कि पेपर में लिखना कैसे है लिखना क्या है और वो पास करके निकल जाते हैं और मेन जो टारगेट होता है जेई का तो उन उनपे फोकस होते हैं आप लोग के लिए फिलहाल मैं बताता हूं अभी गोल्डन चांस नहीं है क्योंकि जब आप लोग निकलोगे तो आरआरबी जेई का एग्जाम हो चुका होगा अभी जो अपकमिंग जो सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है वो लोग निकलते ही आरआरबी जेई का फॉर्म भरेगा है ना क्योंकि उनके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है चार साल पे वैकेंसी आ जाता है और चार साल अभी कंप्लीट हुआ वैकेंसी आने वाला है अभी तब और जो सिक्स सेमेस्टर वो पास आउट होगा और उसके लिए गोल्डन चांस होगा हालांकि आप भी तैयारी करोगे तो उस टाइम हो सकता है तैयार कर रहे हैं और सबसे बेसिक जो बेसिक का फाउंडेशन होता है ना उसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश जैसे छोटे छोटे केमिस्ट्री वाला क्वेश्चंस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होते हैं साइंस वाला क्वेश्चन जो होते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होते हैं साइंस वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होते हैं हम वो सब वीडियो भी आप को डाल रहे हैं जिसके लिए एक चैप्टर ही बना दिया है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जो होता है और सबसे ज्यादा बेसिक चैप्टर हो सकता है उन सब चैप्टर को भी शामिल किया है तो आने वाले दिनों में सेमेस्टर प्लस जेई जेई वाला सेगमेंट को जरूर देखिएगा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है चलिए ए भी आता है जी बिल्कुल ए भी आ जाएगा जी ए भी आ जाएगा अभी एक साथ दोनों आएगा जेई भी आएगा और ए भी आएगा चलिए अब अपन देखते हैं फोर सैटेलाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी सैटेलाइट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन आपने करा है ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन करा है सोलर सेल कौन सा सोलर सेल नेक्स्ट द आउटपुट ऑफ सोलर सेल इज द ऑर्डर ऑफ सोलर सेल का जो आउटपुट होता है वो किस ऑर्डर में होता है जी सोलर सेल का जो आउटपुट होता है बिल्कुल जी एक वाट एक वाट जी है ना एक बच्चा ने बोला है जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट है ना वोल्ट में बोले तो वोल्टेज बहुत कम प्रोड्यूस करता है और वाट में एक वाट है ना अगर वही वोल्टेज पूछ देता सही एक बच्चे ने बोल दिया जवाब एक अगर वोल्टेज रेटिंग में पूछता तो लगभग जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट के अप्रोक्स करता है जीरो पॉइंट फोर फाइव के आसपास करता है जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट और जब आपको वाटेज में बोले वाटेज में बोले तो एक वाट सो योर करेक्ट आंसर चलिए थ्योरी में भी ये पढ़ा होगा जब आपने सेल के बारे में चर्चा किया होगा मटेरियल कौन सा है और इसमें कुछ संचय नहीं होना चाहिए आगे बढ़िए जी फोटो सेल और सोलर सेल कन्वर्ट्स क्या कन्वर्ट करता है इसमें कहीं कोई कन्फ्यू कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटी रेडिएशन इंटू डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चलिए आगे बढ़िए द फोटो वोल्टे सेल सिंगल सोलर सेल लगभग कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जी देखिए यही क्वेश्चन था और वही सेम आ गया है जी बिल्कुल चलिए यहां पे सेम आ गया है जी चलिए नेक्स्ट जी द टर्म फोटोवोल्टाइक कम्स फ्रॉम फोटोवोल्टाइक जो टर्म वर्ड है ये कहां से आया है जी मोस्टली चीज अपन पढ़ते हैं जब कभी भी तो वो कहां से ग्रीक से मिलता है कहां से जी ग्रीक से मिलता है कहा आगे बढ़ेंगे वेन द सोर्स ऑफ सन ऑफ लाइट इज नॉट सनलाइट देन द फोटो वोल्टेक सेल इज यूज एज ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हो चुका है फोटो डिटेक्टर के रूप में आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल इज ऑल्सो नॉन एज द सोलर ग्रेड सिलिकन इनमें से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल है जो यूज किया जाता है सोलर ग्रेड सिलिकन में क्वेश्चन नंबर एट अभी जस्ट कराया था ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट कराया था ये क्वेश्चन भी जो ज्यादा एफिशियंट होगा जैसे हमने बोला कि सिलिकन तो यूज होगा लेकिन उसमें भी किस मटेरियल को प्रीफर किया जाता है अभी जस्ट करवाया था कुछ देर पहले अभी जस्ट करवाया था कुछ देर पहले जी वो कैसा था क्रिस्टल लाइन सिलिकन अभी जस्ट करवाया था कि नहीं मोस्ट सोलर सिलिकन के अंदर सोलर के लिए सिलिकन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें ज्यादा एफिशियंट वाला जो होता है वो होता है क्रिस्टल लाइन सिलिकन जो यूज किया जाते हैं सोलर ग्रेड सिलिकन के अंदर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है डायस फोटोवोल्टिक डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ द थीन फिल्म थीन फिल्म में डाइस फोटोवोल्टिक डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ द थीन फिल्म थीन फिल्म में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं जवाब देंगे ध्यान रखना जी ऐसा इसका है ध्यान रखना केडियम टेलोराइड्स है ना केडमियम का होता है ये ध्यान रखना टेलोराइड्स कुछ नहीं सल्फेट नहीं है, ये नहीं कुछ भी नहीं है ना तो ये ध्यान रखना आप केडमियम टेलोराइड्स फोटो डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म्स पतले फिल्म्स के रूप में जो पी सिस्टम के अंदर होता है होता है केडमियम टेलोराइड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर टेन ए मॉड्यूल इन सोलर पैनल रेफर्स टू सोलर पैनल में जो है सोलर पैनल में ए मॉड्यूल इन सोलर पैनल रेफर्स टू यहां पे जो सी है है सीरीज एंड पालरल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल अरेजमेंट ऑफ सोलर सेल एंडी में है नन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है जी ये क्वेश्चन एकदम रिपीट है सीरीज एंड पेल नेक्स्ट क्वेश्चन दी ऑफ द फोटोबलटेक्सर एकदम ये भी रिपीट हो गया जी आगे बढ़िए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है है ना वॉट इज अ सोलर एरे है वाट पर मीटर स्क्वायर कितना वाट एक मीटर स्क्वायर में कितना वाट डिलीवर करेगा यह ध्यान रखने वाली बात है सोलर पैनल का जो एरे बनता है चलिए सोलर पैनल का एरेज बनेगा वो एक मीटर स्क्वायर में कितना पर मीटर स्क्वायर में कितना वाट देता है जी कितना वाट देता है ये पूछ रहा है एक मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर को आप ऐसे ले लीजिए आप मानिए कि एक मीटर स्क्वायर इतना बड़ा होगा इतना बड़ा अगर सोलर पैनल होगा तो बताइए एक मीटर स्क्वायर ये तो एरिया हो गया ना एक मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका एरिया हो गया इसमें कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा जी कितना इलेक्ट्रिसिटी आपको वाट में मिलेगा ये बताएंगे ये बताएंगे ये बताएंगे सौ वाट बोल रहा है एक मीटर स्क्वायर एरिया में सौ वाट बोल रहा है जी ये ध्यान रखना ये डाटा आपको याद रखना है है ना आपको कई बार ये भी पूछता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि कितनी रेडिएशन से कितने वाट डेवलप होते हैं ये सब भी क्वेश्चन बनते हैं हालांकि देखते हैं आगे ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि नहीं है ना तो ये इसमें कितना होगा ढाई सौ वाट कितना होगा जी ढाई सौ वाट हर मीटर स्क्वायर पैनल के दायरे में एक मीटर स्क्वायर मतलब एक मीटर लंबाई मीटर चौड़ाई के दायरे में पैनल का जो एरिया बनेगा उसमें एक मीटर स्क्वायर में कितना आपको मिलेगा जी 250 कितना 250 वाट कितना मिलेगा 250 वाट तो ये हमेशा ध्यान रखें जी 250 वाट मिलते हैं एक मीटर स्क्वायर पैनल के अंदर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इन सोलर थर्मल कन्वर्जेशन सिस्टम सोलर हीटिंग इज ट्रांसफर्ड टू इस सिस्टम के अंदर क्या होता है इन सोलर थर्मल सोलर से थर्मल कन्वर्जन सिस्टम्स ये सोलर सोलर सिस्टम आप लोग ये हमेशा सोलर पीवी मत समझो सोलर का सिस्टम का मतलब होता है जो सन का सोलर सिस्टम को भी सोलर सिस्टम बोलते हैं ठीक है ना ये भी ध्यान रखना तो इन सोलर थर्मल कन्वर्जन सिस्टम द सोलर हीट इज ट्रांसफर्ड टू वाटर स्ट्रीम लिक्विड मेटल्स मोल्टन साल्ट एनी ऑफ द एव बोलिए बिल्कुल एनी ऑफ द एवो एनी ऑफ द एवो है ना सोलर थर्मल कन्वर्जन के अंदर तो ये ध्यान रखना वाटर स्टीम में भी लिक्विड मेटल्स के अंदर भी मोल्टेन साल्ट के थ्रू भी नो नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट डेंसिटी ऑफ अ फोटोवोल्टाइक सेल अरेंजमेंट फ्रॉम बताइए करंट डेंसिटी जो होगा ऑफ अ पीवी सेल अरेंजमेंट फ्रॉम कैसा कैसा होगा डी में है 60 से 100 डी में है 62 हंड्रेड मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करंट डेंसिटी ऑफ अ पीवी सेल अरेंजमेंट में कितना होता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर में एक सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया ये लो इतना एक सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये लो एक पीवी सेल है है ना इसमें करंट की डेंसिटी कितनी होती है हर सेंटीमीटर स्क्वायर में करंट कितना डेंसिटी मिलेगा ये सब याद क्यों नहीं रहेगा जी एक बार पढ़ लेंगे याद नहीं रहेगा फिर पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेना जो पीडीएफ मिलेगा उसको रिवाइज कर लेना आज पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे तो अकबर बाबर जो हजारों हजार क्वेश्चन इतिहास का याद करना पड़ेगा याद नहीं रहेगा तो कहानी याद रहेगा अब बोलेगा कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ ये याद नहीं रखोगे तो क्या करोगे कह वो तो कहानी समझाता चला जाएगा कि इसमें ये था सिराजुद्दुल्ला था ये था वो था वो तो समझा देगा फिर याद तो रखना ही पड़ेगा ना तो थोड़ी सी मेमोरी भी स्ट्रांग तो करना पड़ेगा वो भी खासकर पता है कि ये डाटा अगर पढ़ के जाएंगे 40 से 50 इसका सही आंसर है एक बार मैं बता दिया अगर यही क्वेश्चन कल रिपीट होता है इसमें ऐसा भी नहीं है कि डाटा की भरमार है बहुत लिमिटेड डाटा इस टाइप के न्यूमेरिकल डाटा आपको मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है कर सकते हो समस्या नहीं है तो इसमें समझना भी क्या अगर आपको बोलता है पीवी सिस्टम 0.5 वोल्ट डेवलप करता है उसका यूनिट सेल 0. अब उसमें याद क्या करना 0.5 डेवलप करता है डेवलप कर रहा है है ना उसमें क्या ऐसा ट्रिक लगाओगे कि वो ये दिमाग में रहे कि वो याद याद ना हो उसमें समझ ले नहीं पीवी सिस्टम वोल्टेज 0.5 डेवलप कर रहा है वाट एक कर रहा है तो क्लियर है कहीं कोई समस्या नहीं है चलिए नेक्स्ट फॉलोइंग एरिया इज अ प्रिफर्ड फॉर सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट्स सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट्स के लिए इसमें क्या होता है चलिए 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 यहां तक अपन लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग अप्रोक्स रौ, अगर बात करें तो हमने यहां तक ध्यान रखना 50 क्वेश्चन हमने यहां पे करे हैं कितना 50 क्वेश्चंस अगेन यहां से अगेन करना है अपने को क्या अगेन अप्रॉक्स अपने को यहां से करना है आप लगा लो फोर्टी क्वेश्चंस और करने हैं। यहां से चालीस क्वेश्चन और करने हैं जो कि अपन करेंगे अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद है ना अपन यहां से करने वाले एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी की टाइमिंग क्या हुआ है अच्छा इस क्वेश्चन का पहले आप जवाब भी दे देंगे जी फॉलोइंग एरिया इज वेफर्ड फॉर सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कौन से एरिया को प्रीफर करते हैं सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट्स के लिए हॉट जोन को कहां पे जैसे कि आप देखते हो राजस्थान के अंदर प्रीफर करते हैं गुजरात राजस्थान इन सब जगह पे हम इसको प्रीफर करते हैं जी नो अब मैं यहां पे बात करूं ब्रेक के बाद अपन यहां मिलेंगे अभी टाइम कितना हो गया है बारह चालीस हो गया है जी बारह चालीस ये ब्रेक अपन लेते हैं बारह मिनट का दस तो कितना हो गया आइए बारह बारह पचपन पे आइए जी आप सभी है ना बारह पचपन पी पे आप सभी आएंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे बहुत ज्यादा नहीं दिया आपके पास गैप भी है आपके पास समय भी है दो दिन का समय है सौ क्वेश्चन अगर एक बार कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है इससे रिलेटेड थ्योरी भी लिखना आसान हो जाएगा क्योंकि इन चीजों को रिपीट अगर दो दिन में अभी कर रहे हैं तो अगर कुछ चीजें है तो थ्योरी भी लिंक होता जाएगा और क्वेश्चन ऐसे मिल गए तो क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे तो समस्या नहीं होगा तो चलिए ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं जी टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्वेश्चन टेली चलिए एक बार लाइव बनेंगे सभी चलिए सभी जुड़ जाएंगे लाइव फटाफट जुड़ेंगे फटाफट एक बार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बैटरी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल स्टोर एनर्जी स्टोरेज आर जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज के लिए अपन यूज करते हैं बैटरी वो कैसा बैटरी का इस्तेमाल करते हैं है ना सेल्स, या फिर एडिशन सेल्स या फिर लेड एसिड या है ऑल ऑफ इसको हटाई दो ऐसा भी ये आंसर में सीरीज में नहीं है स्टोरेज के लिए सबसे बेहतर हमारे लिए कौन सा है जी यहां पे ये है ना कौन लेड एसिड सेल कौन सा लेड एसिड है ना अभी हालांकि लिथियम बैटरी का सबसे ज्यादा डिमांड है उसकी स्टोरेज करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है तो लिथियम बैटरी हालांकि उसके लिए लिथियम बहुत ज्यादा डिमांड है उसका बढ़ा हुआ है तो लिथियम साइंस बैटरी जो है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा हमारे सोलर पावर एनर्जी स्टोर या बैटरी में एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए लिथियम फिलहाल लेड एसिड सेल्स यूज कर रहे हैं हम लिथियन साइंस को और ज्यादा फोकस कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे जी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है टर्न अराउंड इफिंसी ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज अराउंड है ना बैटरी जो है एनर्जी को स्टोर जो करता है वो लगभग कितना परसेंट कर पाता है जी लगभग कितना परसेंट पचहत्तर परसेंट पचास परसेंट पच्चीस परसेंट और दस परसेंट है ना व्च ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट है व्च ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेवेंटी फाइव परसेंट चलिए वेट नहीं करेंगे फटाफट सोल्यूशन बताता हूं मैं फटाफट देखिए ये जो सब्जेक्ट अगन मैं बता रहा हूं ये जो सब्जेक्ट है इससे एमसीक्यू पर मेनली फोकस करिए थ्योरी ऑलरेडी आपको क्लास में कराया गया है ठीक है ना मिथिलेश सर के द्वारा मैं इसको कवर भी नहीं करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव आपका बढ़िया जाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको मैं कलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन मेटल्स बिकॉज सुपर कंडक्टिंग कूल्ड बिलो ऐसा कौन सा मटेरियल सुपर कंडक्टिंग होता है जब इसको एक टेम्परेचर से बिलो कूल किया जाए तो सुपर जैसा बिहेव करता है क्वेश्चन नंबर अठारह वो है बिल्कुल ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे करा जाए तो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा आइडेंटिफाई देंट फिगर अच्छा इसमें फिगर नहीं है इसके अंदर नो फिगर अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है आगे बढ़िए नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एडजेंट फिगर सॉरी सेम रिपीटेड क्वेश्चन आइडेंटिफाई ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है एक सेकेंड बिल्कुल चलिए यह क्वेश्चन अच्छा है पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर क्योंकि जब सेमीकंडक्टर कंडक्टर अपन इस्तेमाल करते हैं तो एन टाइप और पी टाइप होता है उसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है तो बताइए पी टाइप सेमी कंडक्टर जो होते हैं कौन सा वैल्यू होता है पेंटावेलेंट जैसे एक इंप्यूरिटी डाल दिए तो पांच हो गए एक निकाल लिए तो ट्राइ हो गए तो इस तरीके से कौन सा इंप्यूरिटी वाला आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर होता है पी टाइप में एक होता है एन टाइप एक होता है पी टाइप हम्म ध्यान रखिएगा जी ध्यान रखिएगा पी टाइप में ट्राई, है ना एन टाइप में पेंटा एन टाइप में पांच और इसमें पी टाइप में तीन सो राइट आंसर इज पी टाइप है ना तो पी टाइप में थ्री ट्राई ट्राइवेलेंट इंपोर्टी क्या होता है ट्राई ट्राइवेलेंट पी टाइप में ट्राई ट्राइवेलेंट ये दिमाग में रहे हमेशा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एन टाइप सेमी कंडक्टर में ऑब्वियसली आ गया जब उसमें तीन था तो इसमें पांच होगा एन में पी एन में पी ध्यान रखिएगा एन में पी एन टाइप में पी एन में पी और पी टाइप में टी पी टी एन पी ये ऐसे लॉजिक दिमाग में कुछ बैठा लीजिए एन पी एन होगा तो पी होगा एन पी मतलब एन टाइप में पांच पेंटा वैलेंट और पी टाइप होगा तो पीटी ट्राई पीटी ऊषा दिमाग में रख लेना है ना क्या पीटी ऊषा क्या पीटी ऊषा तो पेंटा जो पी टाइप में तीन होगा पी टाइप में ट्राई होगा और एन टाइप में होगा पांच होगा ऐसा कुछ लॉजिक दिमाग में बैठा लेना ठीक है चलिए नेक्स्ट दो दिन ही तो दिमाग में रखना है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू सिलिकन इज नॉन बताओ जब इम्प्योरिटी एड करते क्योंकि सिलिकन तो है अब उसमें सब में बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो या तो आप उसको चार में अंदर तो किसी को दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स ना ले सकता है तो ऐसे कंडीशन में या तो आप क्या करो उसकी इंप्योरिटी को उसमें एडॉप्ट करो जिससे कि ये चार के बदला उसमें एक इंप्योरिटी पांच हो जाए तब तीन को एडेप्ट करेगा या फिर चार के बदले एक निकाल लो तो बचा तीन अब ये किसी में जाएगा तो ऐसा होता है कि या तो पांच हो या तीन हो तो तीन किसी को डोनेट कर देगा अब पांच होगा तो किसी से तीन एक्सेप्ट कर लेगा ठीक है ना द प्रोसेस ऑफ बेलडिंग इसको क्या बोलते हैं डॉपिंग इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी डॉपिंग चलिए नेक्स्ट आइडेंटिफाइड द एडजसेंट मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन इसको आइडेंटिफाई करिए अच्छा इसमें तो पिक्चर ही नहीं है नो पिक्चर नो पिक चलिए चलिए यहां तक वाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर अगर यही आ गया है तो इसको देख लेते हैं जी इन्वर्टर का फंक्शन क्या होगा हालांकि इसमें सी ऑप्शन में क्या दे इसी दोनों में हमको लगता है मिल जाएगा आपको आंसर इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है अट्ठाईस का भी बिल्कुल इन्वर्टर डीसी बैटरी से एसी में तब्दील करता है सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया व्हाट इज द एम पी पी टी इसको कहते हैं ये होता है एक ऐसा सिस्टम जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक करता है है ना जैसे कि आ, सन जिस तरीके से मूव करता थी एमपीपीटी टेक्निक क्या होता है जैसे जैसे सन मूव करता है ये क्या करता है उस तरीके से ट्रैक करता है और मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करता है जैसे सन इधर है तो हम क्या करते हैं हमारे पैनल इधर हो सन ऐसे हो तो हमारा पैनल इधर हो सन ऐसे हो तो हमारा पैनल इधर हो तो ट्रैक करने की ताकि मैक्सिमम पावर हर इंस्टेंट ले पाए पता चले पैनल इधर है सनसेट इधर हो रहा है तो उस टाइम तो लाइट को रिसीव नहीं कर पाएगा वो अपने सोलर के रेडिएशन को ये रिसीव नहीं कर पाएगा हंड्रेड परसेंट इस चीज से पावर पॉइंट की ट्रैकिंग ट्रैकिंग कराई जाती है और इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट यानी आप कह सकते हो मैक्सिमम फोटो पावर ट्रैकिंग ट्रेकिंग मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैसर सो बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पर क्या होगा बी आपका करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैस करता है जी है ना चलिए 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 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फोटोबोल्ड बिल्कुल हो गया है सोलर सेल स्मॉलेस्ट हो गया है चलिए क्वेश्चन नंबर बत्तीस इन पी एन जंक्शन सोलर सेल पी टाइप सेमी कंडक्टर इज कनेक्टेड टू बिल्कुल पीएन जंक्शन में आपका बोल रहा है पीएन जंक्शन में पी टाइप सेमी कंडक्टर जो होता है वो किससे कनेक्ट होगा कैथोड से एनोड से ट्रायोड से या डायोड से यहां डायोड भी फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्वियसली एनोड से ऑब्वियसली ये एनोड से और ये एन टैप केथोड से ये ध्यान रखना पी एनोड से तो आ, आप पी ए कर सकते हो पी टैप एनोड से एन सी कर सकते हो एन टाइप के थोड़ से ये तो नॉर्मल है ये सब तो हर पढ़ते इसमें तो टाइप सेमी कंडक्टर ऑफ द मेजोरिटी चार्ज क्रियर बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस बार इस बार क्वेश्चन कह रहा है अच्छा होना चाहिए आई सो सभी का जवाब सही आना चाहिए मेजोरिटी चार्ज इसमें क्या होता है P मेजोरिटी चार्ज क्रियर किसका होगा यहां पे पी है यहां पे एन है तो इसमें मेजोरिटी किसका होगा ये बताएंगे सभी बिल्कुल पी टाइप में मेजोरिटी होंगे होल्स का मेजोरिटी होंगे होल्स का बिल्कुल मेजोरिटी होगा होल्स का मेजोरिटी होगा होल्स का तो माइनॉरिटी इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स इसमें माइनर्स होंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें माइनॉरिटी तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स का मेजोरिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का लेकिन इसमें माइनॉरिटी क्या होगा होल्स, इसमें माइनॉरिटी क्या होंगे होल्स, इसमें माइनॉरिटी क्या होंगे होल्स। तो आपसे कई बार ये पूछता लीकेज करंट किसके कारण फ्लो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही फ्लो होते हैं ठीक है ना चलिए सो so, यहां पे पी सेमी सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज क्रियर्स कुछ कहना ही नहीं है जी एन टाइप में मेजॉरिटी किसका होगा इलेक्ट्रॉन्स का कुछ नहीं कहना आगे बढ़िए एन टाइप में क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का नेक्स्ट व्हाट डस द वर्ड वर्ड फोटोवोल्टिक मींस फोटोवोल्टिक का मतलब क्या फोटोवोल्टिक का क्या मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड यानी वर्ड का क्या मतलब बताएं? कहीं <गए> अगर पीवी सिस्टम है तो उसका क्या मीनिंग है कहीं <गए> पर पीवी सिस्टम है तो क्या उसका मीनिंग है <गए> मुझे लगता है सिस्टम लैग कर चलिए। <गए> कहीं <गए> पीवी सिस्टम है तो उसका क्या मतलब है सी <गए> लिखा है बिल्कुल फोटो बोल्टे क्या क्या, क्या, क्या क्या है जी ये लाइट को लेता है सनलाइट को लेता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रहा है जी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी लाइट से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे डी में है क्रिस्टल लाइन सिलिकल सेल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड सैतीस में डी में है देखिए क्रिस्टल लाइन सिलिकॉन क्रिस्टल लाइन सिलिकॉन सेल क्रिस्टल लाइन सिलिकन सेल सैतीस नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फोटोवेल्टे सेल यूज टूडे बिल्कुल ये अपन देख रहे हैं सिलिकन तो होता है लेकिन उसमें सबसे बढ़िया एफिशिएंसी वाला जो होता है वो उसमें क्लासिफाइड किया गया वो है क्रिस्टल लाइन सिलिकॉन सेल कैसा है क्रिस्टल लाइन सिलिकॉन सेल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विपमेंट यूज इन सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम इनमें से कौन सा है इक्विपमेंट जो सोलर फोटोवोल्टेज सिस्टम के अंदर नहीं उपयोग में लाए जाते हैं कौन सा ऐसा है जो फोटो वोल्टेक सिस्टम के अंदर उपयोग में नहीं लाए जाते हैं बिल्कुल ट्रांसफार्मर का कोई इस्तेमाल नहीं होता बाकी बैटरी इस्तेमाल यह पूरे हॉल सिस्टम में बैटरी भी यूज होते हैं एमबीपीटी का भी इस्तेमाल होता है इन्वर्टर और ये इससे पहले वाले क्वेश्चन था उसमें क्या था मोस्टली पीवी सिस्टम में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है तो सेल था कौन सा था पीवी सेल इससे पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया पीवी सेल में कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए तब तीनों कंपोनेंट चाहिए लेकिन आपसे इससे मोस्ट यूजफुल पॉइंट जो है ये कंपोनेंट uh, जो है वो कौन सा पीवी सिस्टम में तो पीवी सेल था है कि नहीं तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए सो so, पे क्या है ट्रांसफॉर्मर है जो इक्विपमेंट्स में नहीं यूज होते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस क्वेश्चन का जवाब देंगे व्च बैटरीज आर यूज इन सोलर फोटो सिस्टम व्च बैटरी आर यूज इन सोलर फोटो सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन कौन सा बैटरी है जो सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम के अंदर इस्तेमाल में लाए जाते हैं बिल्कुल हमने बोला देखिए लीड एसिड तो पहले था चूंकि ऑप्शन में कुछ और था ही नहीं चूंकि एवलांच सेल्स वगैरह तो अलग ही होते हैं वो, वो एक वोल्ट वगैरह होता है जो जनरेट करता है तो यहाँ पे ये भी होता है लिथियम हमने अभी बोला कि लिथियम का सबसे ज्यादा डिमांड है ये सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर को करने की क्षमता रखता है लिथियम आइंस बैटरी है ना इसीलिए इसकी खूब डिमांड है इसकी भंडारण भी खोजा जा रहा है सबसे ज्यादा इंडिया में भी लिथियम आयंस भी खूब मिले हैं नौ उसके बाद सॉल्टवेयर यह भी एक बैटरी का टाइप है तो ऑल ऑफ दाइट आंसर क्या है यहां पे सभी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फिल फिल फैक्टर ऑफ द सोलर सेल इज ऑलवेज सोलर सेल का फिल फैक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है वो ध्यान रखिएगा लेस देन वन होता है क्या होता है जी हमेशा लेस देन वन होता है सोलर सेल का फुल फैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस क्वेश्चन का जवाब देंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट जवाब देंगे आप सभी चलिए ए फॉलिंग परसेंट सोलर एरिया ऑफ़ टू मीटर स्क्वायर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट सिक्सटी डिग्री टू द नॉर्मल ऑफ द सेल वाट इज द आउटपुट पावर ऑफ द सेल है ना तो यहाँ पे आउटपुट पावर क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब देंगे जी आउटपुट फॉलिंग एफिशिएंसी सनलाइट ट्वेंटी परसेंट है चलिए फटाफट फटाफट इसका आंसर करेंगे जी कितना कैलकुलेट होगा कैलकुलेशन किया जाएगा बताए कैलकुलेशन किया जाएगा कॉस सिक्सटी का मान कितना हो गया एक सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है सर ऑब्वियसली क्लास में तो कराया गया होगा ना क्लास में कराया गया होगा नहीं तो यहां देखिए आपका पी आउटपुट के लिए एफिशिएंसी इनटू रेडिएशंस इनटू कितना सन फॉल होता है है ना सन फॉलिंग एरियाज आप कह सकते हो सन फॉलिंग एरियाज तो इस तरीके से आप देखिए देखिए कोई क्या होता है प्लेट मान लो आपने इस तरीके से रखा है और उस कंडीशन में सन का फॉल आप देखिए अगर इस तरीके से होता है तो हंड्रेड परसेंट स्पेस सन फॉल नहीं हो पा रहा तो ऐसे कंडीशन में अपन कहते हैं कि तो फुल सनलाइट फॉलिंग जो ऑन फॉलिंग ऑन ट्वेंटी परसेंट तो जो एफिशिएंसी है वो ट्वेंटी परसेंट है कितना ट्वेंटी परसेंट पर यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट टू पर इकाई में बात करेंगे तो जीरो पॉइंट टू हो जाएगा उसके बाद इसमें कह रहा है कि इसका एरिया है टू मीटर स्क्वायर एट एंगल इंसिडेंट इतना तो एरिया के लिए टोटल कितना एरिया पे सनलाइट पड़ेगा अगर हम ये बात करें तो दो मीटर स्क्वायर गुना कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्री 60 का मान कितना होगा क्योंकि कितना एंगल से पड़ रहा है यहाँ पे अगर सिक्सटी डिग्री एंगल से पड़ रहा है तो 60 का मान कितना होगा होगा जो हो कॉस्ट सिक्स रूट एक बटा दो तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो गया वन हो गया ये क्या हो गया एरिया इसका वन हो गया इफिशियंसी इसकी हो गई पर यूनिट में जीरो पॉइंट टू एरिया कितना पड़ रहा है एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो एक और रेडिएशन अब देखो सन का रेडिएशन यहां पे नहीं है हालांकि सन की रेडिएशन की अगर बात करें सन रेडिएशंस की बात करें सन रेडिएशन की अगर बात करते हो तो ये होता है एक हजार वाट पर मीटर स्क्वायर ये भी ध्यान रखना सन रेडिएशंस लगभग अगर कुछ नहीं दिया हो तो ये भी ध्यान रखना सन रेडिएशन भी कई बार आपसे पूछता है कि सन रेडिएशन कितने होते हैं तो ये होता है एक हजार वाट पर मीटर स्क्वायर एक हजार वाट पर मीटर स्क्वायर सर का रेडिएशन जो है एक मीटर स्क्वायर में जो पावर डिलीवर करने की क्षमता होती है सन के रेज में वो कितना होता है हजार वाट कितना होता है जी एक हजार वाट अब यही फॉर्मूला को आप फाइनली पी आउटपुट के लिए कर दीजिए तो इसकी इफिस कितनी है 20% परसेंट मतलब पर यूनिट वैल्यू में 0.2 उसके बाद रेडिएशंस कितना आ रहा है जी इसका हजार रेडिएशंस आते हैं सन के थ्रू और किस एंगल से कितना प्लेट पर आपको उसकी रेडिएशन मिल पा रहा है कितने एरिया पे सरफेस एरिया पे तो हमने यहां पे देखा उसके लिए एरिया है आपका वन तो फाइनल पी आउटपुट कितना हो जाएगा फाइनल पी आउटपुट कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 से भागा दीजिए इसको काट दीजिए तो वैल्यू हो गया 100 वाट फाइल फाइनल वैल्यू कितना मिलेगा आपको 100 वाट मिल जाएगा इस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट पावर ऑफ द सेल कितना हो जाएगा हंड्रेड वाट तो आप डाटा को इस तरीके से कर सकते हैं जी ध्यान रखना पी आउटपुट कितना इसकी इफिशंसी इनटू रेडिएशन और कितने सरफेस पे फॉल कर रहा है सीधा करता तो आपका हंड्रेड परसेंट एरिया पे होता है लेकिन अगर देखते हैं फॉलिंग कर रहा है सिक्सटी डिग्री के एंगल से तो टू मीटर में कॉस्ट सिक्सटी लगा दीजिए उतना वैल्यू एरिया में हमारा क्या होगा इफेक्टिवली सन पड़ेगा तो फाइनल हमको आउटपुट पावर मिलेगा सौ वाट फाइनल आउटपुट पावर कितना मिलेगा सौ वाट अदरवाइज सन रेडिएशन कहता है कि एक मीटर स्क्वायर के प्लेट पे हम कितना वाट देंगे आपको एक हजार वाट कितना देंगे एक हजार वाट लेकिन यहाँ इसकी सेंसी भी कह रहा 20 है तो पॉइंट फाइव टाइम ऐसे ही घट गया एक यानी 20 हो गया तो एक पर, एह, हजार को से ऐसे ही कर दो है ना उसके बाद ये वैल्यू भी कम हो गए है ना तो इसीलिए फाइनल वैल्यू आपको कितना मिल रहा सौ वाट ही मिल रहा नहीं तो सन रेडिएशन से पर मीटर स्क्वायर पे एक हजार वाट देता है अगर आपका जो है पूरे प्लेट पे सन का रेडिएशन डायरेक्ट पड़ेगा तो ठीक है ना टू हंड्रेड हो गया क्या एक सेकेंड अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल जी यहाँ से टू हंड्रेड में गया, दो से गुना हो गया ये इससे दस काटा दो सौ वाट बिल्कुल जी है ना बिल्कुल टू हंड्रेड वाट करेक्ट आंसर इज टू हंड्रेड बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया कौन है एक बच्चे ने ध्यान दिया जी ये है श... एस पी एस स्टूडियो बहुत बढ़िया फैक्ट मोड 200 सौ वाट है ना तो कितना कैलकुलेशन से निकला आपका 200 सौ वाट आपको फाइनल आउटपुट मिला है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते है, तो हैं नेक्स्ट ए सेट इज शॉर्ट सर्किटेड करंट ऑफ तो बताइए वाट इज द फिल फैक्टर इसका फिल फैक्टर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी चलिए कम से कम कुछ एक आध न्यूमेडिकल भी दिख गए तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा एक आध निम्रिकल भी दिख गया तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा जी ए फोटो वोल्टाइक सेल हैज द शॉर्ट सर्किट करंट 25 मिली एमपियर एंड ओपन सर्किट वोल्टेज इतना दिया हुआ है एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ 12 मिली वाट दिया हुआ है कितना 12 मिली वाट दिया हुआ है तो व्हाट इज इट्स फिल फैक्टर इसका फिल फैक्टर क्या होगा क्या होगा इसका फिल फैक्टर चलिए नौ ध्यान रखिएगा एक्चुअली फिल फैक्टर होता क्या अगर आप जाओगे यहां पे तो फिल फैक्टर की अगर बात करें फिल फैक्टर तो फिल फैक्टर कहता है हम है कितना आपको आउटपुट मिल रहा है पी बटा ओपन शॉर्ट सर्किट करेंट इन टू ओपन सर्किट वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज ध्यान रखना फिल फैक्टर का फॉर्मूला फिल फैक्टर का फिल फैक्टर कहता है पी जितना मिला पावर डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट ओपन सर्किट वोल्टेज ये दोनों तो अब आप, आप इसको निकालोगे तो आप खुद ही निकालिए कि क्या होगा फिल फैक्टर अगर आप निकालते हो तो कहता है ये सोलर सर्किट करंट इतना और ऑपरेशन वोल्टेज इतना तो मैक्सिमम 12 मिली वाट तो 12 मिली का टेंट पावर माइनस थ्री वाट करिए है ना 25 मिली एमपियर पच्चीस गुना टें पावर माइनस थ्री करिए है ना मिली एमपियर और वोल्टेज में 0.6 वोल्ट करिए अब देखिए इसका फाइनल आउटकम क्या आता है आपको टेन माइनस थ्री ये इनसे कट गया अगर छ को करूं तो ऊपर कहा क्या चला गया जी दस चला गया 6 से इसको काटिए दो आ गया फाइनली वैल्यू कितना हो गया बीस बटा पच्चीस यही ना वैल्यू है बीस बटा पच्चीस कितना हो गया परसेंटेज में जी बीस बटा पच्चीस करोगे पच्चीस पच्चीस पांचों का बीस चार बटा पांच कितना परसेंट हो गया अगर करेंगे आठ पंचाय चालीस अगर आप इसको काटिएगा तो क्या हो गया जीरो पॉइंट एट परसेंटेज में कितना हो गया अस्सी परसेंट परसेंटेज में क्या हो जाएगा जी अस्सी परसेंट आई होप सो सभी को क्लियर होगा आई होप सो सभी को क्लियर होगा कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं बताया सर ओके क्लियर तो फिल फैक्टर ध्यान रखना टोटल पावर जो आउटपुट मिल रहा है बटा शॉर्ट सर्किट करेंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज ये आपके फिल फैक्टर को दर्शाता है जी चलिए क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट व्इच ऑफ द्च ऑफ ऑफ दिस आर नॉट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इसमें से कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट या इंपैक्ट नहीं है सोलर एनर्जी के लिए नेक्स्ट जो इसका डी ऑप्शन है यहां पर देख लीजिए इट डी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन में इट रिड्यूस पोल्यूशन इट रिड्यूस पोल्यूशन इट रिड्यूस पोल्यूशन है ना तो क्या है विच ऑफ दीज आर नॉट पॉजिटिव इंपैक्ट फॉर सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट कौन सा नहीं है या पॉजिटिव इफेक्ट कौन सा नहीं है इट्स हार्म्स द इन्वायरमेंट इट इंक्रीज द होम सेफ्टी इट स्टेबलाइज द इकोनॉमी स्टेबलाइज द इकोनॉमी कहता है कि क्या ये हार्म करता है क्या इन्वायरमेंट को नहीं इसके सबसे बड़े एडवांटेज है कि ये आपकी होम की सेफ्टी को इंप्रूव इंक्रीज करता है आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा अगर इस तरीके से कोयले के जगह पे अपन सोलर पे चले जाएंगे हमारी इकोनॉमी इसमें धीरे धीरे क्योंकि आज के डेट में कोयले का उत्पादन उसकी खनन करो फिर उसका इस्तेमाल करो फिर ट्रांसपोर्टेशन करो तब वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है और यहाँ डायरेक्ट सोलर पैनल एक बार लग जाए तो लंबे समय तक जाएगा तो इसीलिए ये स्टेबलाइज हमारी इकोनॉमी को करता है इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता तो ये तीनों हमारे लिए सही है तो जो कह रहा है नॉट पॉजिटिव इंपैक्ट देता है वो कौन सा है? इट हार्म्स हमारे इन्वायरमेंट को हार्म्स करता है, नहीं। तो, ये इसका सही है ना? तो आप क्या कह सकते ये गलत बात है कि हमारे सोलर पैनल में यह हार्म्स करेगा ये गलत बात है बिल्कुल करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौवालिस मैच का भी हमको लगता है कुछ सिलसिला आ गया है न्यूज कौन मैच जीता है जी ओके okay, इंडिया पहले खेलेगा जी चलिए इंडिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो आप लोग थोड़ा ये सब तो अब पाँच दस पंद्रह मिनट में आधा मिनट निट्र, इसको निपटा देते हैं जब तक इंडिया खेलने आएगा और थोड़ा सा चिल मूड होकर इंडिया मैच देख लीजिएगा हारे जीते इसको कोई मतलब नहीं अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वरना पढ़ने वाला बच्चा पढ़िए बहुत ज़्यादा बर्डन लेके सेमेस्टर एग्जाम को नहीं देना है जी बहुत ज़्यादा बर्डन एकदम कूल माइंड से दीजिए बच्चा नहीं पढ़ता तो एग्जाम में पास करता है इतनी कैपेसिटी होती है एक इंजीनियर्स की तो आप लोग तो बहुत पढ़ के बैठे हो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल मटेरियल्स सोलर सेल के मटेरियल्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए कौन सी खासियत नहीं होनी चाहिए ये पूछ रहा है चौवालीस का हाई ऑब्जॉर्प हाई कंडक्टिविटी हाई एनर्जी बैंड मैं बता देता हूं है ना नहीं क्या होनी चाहिए हाई ऑब्जॉर्शन होनी चाहिए हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए हाई एबिटी होनी चाहिए लेकिन हाई एनर्जी बैंड गैप नहीं होना चाहिए ये एनर्जी बैंड गैप क्या है जी एनर्जी बैंड गैप अगर एक हमने बोला था कंडक्शन बैंड और एक है वैलेंस बैंड तो देखिए दो बैंड होते हैं हाई एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच एनर्जी बैंड गैप होता है जिसको अपन ईजी कहते हैं ये बहुत ज्यादा ना हो अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड या का मूवमेंट कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड की ओर कम एनर्जी देने पर भी नहीं होगा और नहीं होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा और हमारा पीवी सेल इस तरीके से कंप्लीट नहीं होगा इसीलिए एनर्जी बैंड गैप जो होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए सो क्या नहीं होना चाहिए कौन बढ़िया चीज नहीं है हाई एनर्जी बैंड गैप नहीं होना चाहिए इतना ही देखे कंडक्शन में क्या होता है कंडक्टर में किसी मटेरियल में क्या होता है ओवरलैप होता है इसमें क्या होता है लगभग वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कितना वन इलेक्ट्रॉन एक एक ध्यान से समझिए एक सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड गैप जो होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच लगभग वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है यही इंसुलेटर में पांच इससे भी ज्यादा पांच सात नौ दस इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है इसीलिए एक इंसुलेटर में कितना भी अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता यानी करंट इसमें फ्लो नहीं होता है किसी इंसुलेटर में क्यों क्योंकि इसमें इनर्जी का वैलें एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है जिसमें आप कितनी भी एनर्जी दे दो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो जाता है ना तो ये सारी बातें हैं सो दिस इज ऑल अबाउट अब एक ग्रिड टाइप से क्वेश्चन है ग्रिड टाइप से उसको खाली अपन कर लेते हैं बस उसमें पांच सात क्वेश्चन है वो भी शायद नहीं होगा फिर मामला खत्म करेंगे चलिए एक एक मात्र है छोटा सा देखिए एक छोटा सा है तो क्वेश्चन अपने पास बहुत पर कितना कराएंगे क्वेश्चन बहुत है अपने पास अभी कलेक्शन देखोगे तो बहुत ज्यादा है पर एक जो है ग्रिड टाइप का है पांच सात क्वेश्चन उसमें है पांच क्वेश्चन भी नहीं होगा बस उसको करिए और फिर अपन चलते हैं इंजॉय करने यानी थोड़ा बहुत इंटरटेन कर लेंगे फिर अपने शाम से पढ़ाई स्टार्ट करिए जो बच्चा को लगता है नहीं अपन आ, अब पढ़ना है तो अब पढ़ाई शुरू करिए कुछ बच्चा को अगर लगता है कि क्रिकेट देखना ऐसा नहीं दिमाग पढ़ने दिमाग क्रिकेट पे है और कर रहे हैं पढ़ाई ऐसे काम मत करिए इंजॉय करके दो घंटा बढ़िया से क्रिकेट को दे दीजिए अगर कोई इंटरेस्टेड है या फिर किसी और चीज को दे दीजिए बढ़िया से बहुत टाइम है और फिर उसके बाद रिवाइज करिए जहां भी हो एनर्जी पूरी का पूरी लगाने की कोशिश करिए चलिए चलिए बस वो क्वेश्चन एक सेट आ जाए पांच क्वेश्चन है उससे पांच क्वेश्चन बस उससे कर लीजिए ग्रिड टाइप से फिर आपका काम खत्म ग्रिड टाइप से पांच क्वेश्चन से ज्यादा अपन नहीं करेंगे काफी चीजें आ गई देखिए, मैं यहां कराता हूं तो इससे आपको ना बहुत चीज रिपीट हो जाएंगी चीजों आपको लगेगा हाँ ऐसा पढ़ा हुआ है या वो चीज दिमाग में रहेगा तो हो सकता है कि अटेम्प्ट करने में हमको आसानी होगी तो कंफ्यूजन एकदम नहीं रहेगा चलिए 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 फटाफट आ जाओ यार फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ, फटा -फटा आ जाओ। चलिए क्वेश्चन आ चुका है चलिए क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन किससे होगा ये देखिए सोलर पावर टेक्नोलॉजी का तो है ही पर ये सोलर ये किससे है ये देखिएगा अभी जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे इसमें होगा सोलर पीवी ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड टाइप सिस्टम है ना क्या है सोलर पीवी ऑफ ग्रिड और ग्रिड टाइप सिस्टम से कुछ क्वेश्चन मिले हैं आप इसको भी जरूर कलेक्ट कर लेंगे आपकी ही हेल्प के लिए बेहतर होगा आइए पांच सात क्वेश्चन करने में कुछ नहीं जाता आइए क्वेश्चन करिए क्या कह रहा है बैटरी चार्जिंग एंड द सोलर वाटर पंपिंग आर द टू मेन ऑफ है ना बैटरी को चार्ज करना और सोलर वाटर पंप का इस्तेमाल की जो होते हैं आर टू मेन एप्लीकेशन ऑफ किसका ये स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम का होता है या हाइब्रिड सिस्टम का होता है यहां पे एक चीज है मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए क्या कर दे रहा हूं वेट 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 मिसिंग जो टॉपिक है ना उसको मैं लिख देता हूँ। हूं एक सेकेंड मिसिंग जो टॉपिक है उसको लिख दे रहा हूं यहां पे एक ऑप्शन है सी में सी में है ट्विन सप्लाइड पीवी सिस्टम ट्विन सप्लाइड पीवी सिस्टम और डी में है नन कर दो क्योंकि डी तो ऐसे भी नहीं होना है आंसर चलिए तो बैटरी चार्जिंग एंड सोलर वाटर पंपिंग जो मेथड होते हैं सोलर वाटर जो जो पंपिंग मेथड होते हैं ये मेनली है किसके लिए है है ना हाइब्रिड पीवी सिस्टम देखिए <laughs> बैटरी चार्जिंग सीधे सोलर से आप कर सकते हो वाटर पंपिंग जो होते हैं वो डायरेक्ट सोलर से एप्लीकेशन कर सकते हो तो ये एक स्टैंड अलाइन पीवी सिस्टम का उदाहरण है स्टैंड अलाइन सिर्फ आप पीवी से बैटरी चार्ज कर सकते हो नो झंझट लेने की ग्रिड से कोई मतलब नहीं है सिर्फ पीवी से आप क्या कर सकते हो कि ये देखिए सोलर वाटर पंपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो तो उसमें कोई झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है स्टैंड अलोन अकेला भी ये काम कर सकता है स्टैंड अलोन पीवी स्टैंड अलोन पीवी अकेला भी ये काम कर सकता है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है द सिस्टम इन विच द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड इन बैटरी आर कॉल्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है द सिस्टम इन विच द एनर्जी प्रोड्यूस्ड द स्टोर्ड इन बैटरी आर कॉल्ड इसको क्या कहते हैं तो पीवी सिस्टम जिसमें एनर्जी स्टोर करते प्रोड्यूस करते हैं और सीधे सीधे यानी आप क्या करते हो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो और सीधे जाके बैटरी में स्टोर कर देते हो किसमें स्टोर किसमें करते हो बैटरी में ऐसा कौन सा सिस्टम कहलाता है बिल्कुल क्या कहते हैं इसको स्टैंड एलॉन पीवी सिस्टम क्या कह रहे हैं इसको स्टैंड एलॉन बस बैटरी में जाके एनर्जी को स्टोर करना है हाइब्रिड से क्या मतलब इसको सीधे बैटरी को स्टोर कर देना चलिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग इज रिलेटेड टू देखिये नेट मीटरिंग का मतलब होता है यह बिलिंग से रिलेटेड टर्मोलॉजी होता है किस से बिलिंग से बिलिंग ऑफ परमोटर्स 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 का क्या मतलब है जो इसके मालिक है आप कह सकते हो मालिक है ना उसके रिलेटेड ये बिलिंग किस तरीके से ले क्या करे बिल का कॉन्सेप्ट होता? होता है कि नेट मीटरिंग रिलेटेड टू किससे होता है नेट मीटरिंग जो होता है वो उससे रिलेटेड किससे होता है ये आपका है ए बी सी डी डी अगर नहीं किसी को दिख रहा तो ऐसे भी ये नहीं होना है दिमाग से हटा दो डी अगर नहीं uh, दिख रहा है तो ऐसे भी ये नहीं होना है ये दिमाग से हटा दो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इसमें से कौन सा सही है कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग कहीं ना कहीं ये बिलिंग से रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो क्या है ये बिल्कुल सोलर एनर्जी जेनरेशन से किससे है जी सोलर एनर्जी जेनरेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग रिलेटेड टू सोलर एनर्जी जेनरेशन सो इस तरीके से आपने इस सेशन को भी कर लिया कंप्लीट टोटल पांच हमने अलग अलग सेगमेंट उठाए थे किसी में कम किसी में ज्यादा क्वेश्चन था सौ एक के क्वेश्चन हमने टारगेट किए थे सौ एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया उम्मीद करते हैं इससे आपके रिविजन में मोस्टली हो गए होंगे और कुछ एक क्वेश्चन अगर आपको और कलेक्ट करने होगा तो कलेक्ट कर लेना उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इसी तरीके से, से आखिरी सेशन तक देंगे आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला और साथ के साथ अभी आपके लिए गैप भी है तो कुछ एक क्वेश्चन अगर और कलेक्ट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो तो चलिए फिर ना पेपर होते हुए भी, भी मैं आप लोग किया ताकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा और अपकमिंग डेज में कुछ और भी सेशन हम लाएंगे जिससे आपको और भी मदद मिलेगा बिल्कुल जी चलिए आप सभी को ही मैच देख लेते हैं चलिए फिर आज के सेशन को खत्म करते हैं मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे ऐप पे सब जगह अवेलेबल हो जाएगा ओके बाय बाय टेक केयर अब लाइव क्लास ऐप यूट्यूब में जाइए वहां पर शेड्यूल किया हुआ सारा लाइव क्लास ठीक है ना